हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर जो S1 है हम लोग का, समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, उसके यूनिट 1 को हम लोग पूरे रूप से देखेंगे। तो हम लोग का यूनिट 1 कौन सा है, समकालीन भारतीय समाज की चुनौतियाँ और शिक्षा। तो इस वीडियो में हम लोग S1 पेपर के यूनिट 1 को पूरे रूप से देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे, वीडियो को ध्यान से देखें, ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो में बने रहे। पहला हम लोग का पॉइंट है विविधता, यानी कि डाइवर्सिटी। विविधता का अर्थ है भिन्नता। विविधता का अर्थ क्या होता है, भिन्नता। विभिन्न जगह के लोगों में उनके भाषा, खान पान, रहन सहन एवं पर्व त्यौहार में विभिन्नता पाई जाती है। इसी विभिन्नता को हम लोग क्या बोलते हैं, विविधता कहते हैं। यानी कि विभिन्न जगह के लोगों में उनके भाषा अलग अलग होते हैं, खान पान अलग होते हैं, रहन सहन अलग होते हैं एवं पर्व त्यौहार भी क्या होते हैं, अलग होते हैं, और पर्व त्यौहार मनाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभिन्नता बोलते हैं, और इसी विभिन्नता को हम लोग क्या बोल सकते हैं, विविधता कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका डाइवर्सिटी कहलाएगा, यानी कि विविधता कहलाएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है विविधता के प्रकार। तो विविधता के प्रकार में बहुत सारे पॉइंट है। पहला है क्षेत्रीय या भौगोलिक विविधता। उसके आगे आप लोगों का कौन सा है, भाषाई विविधता। आगे है जातिगत विविधता। चौथा आपका है सांस्कृतिक विविधता। पांचवा आपका है प्रजातीय विविधता। और छठा कौन सा आपका है, जनांकिकीय विविधता। तो पहला क्या है, क्षेत्रीय या भौगोलिक विविधता। इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि कहीं पे पठारी होता है, कहीं पे पहाड़ी होता है, कहीं पे समतल एरिया होता है, तो सभी जगह क्या होता है, क्षेत्रीय भौगोलिक स्थिति क्या होती है, अलग अलग होती है। कहीं पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, कहीं पे गर्मी ज़्यादा रहती है, कहीं पे बरसात ज़्यादा होता है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब आपका हो गया भौगोलिक विविधता में आ गया, या फिर क्षेत्रीय विविधता में आ गया। नेक्स्ट आपका है भाषाई विविधता। एक प्रदेश के दूसरे प्रदेश से क्या होता है, भाषा अलग अलग होते हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका भाषाई विविधता कहलाएगा। तीसरा आपका है जातिगत विविधता। जैसे कि एक जगह, मतलब अपने समाज में देख ले तो विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, तो जाति के आधार पर भेदभाव होता है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका जातिगत विविधता देखने को मिलता है, या फिर जातिगत विविधता बोल सकते हैं। चौथा आपका है सांस्कृतिक विविधता। समाज में देख ले तो विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो सभी का पर्व त्यौहार अलग होते हैं, सभी का संस्कृति अलग अलग है, तो सभी को अपने ढंग से मनाते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आपका सांस्कृतिक विविधता कहलाएगा। पाँचवा आपका है प्रजातीय विविधता। समाज में विभिन्न प्रजाति के लोग रहते हैं, तो उनके भी आसपास में क्या होता है, भेदभाव देखने को मिलता है, या फिर विभिन्न तरह के उनके रहन सहन खान पान सब अलग होते हैं, तो ये सब क्या कहलाएगा, आपका प्रजातीय विविधता में आ जाएगा। और लास्ट आपका क्या है, जनांकिकीय विविधता। जैसे इसमें होता है जनगणना के आधार पर, जैसे कि अभी 2011 की जनगणना के अनुसार में भारत की जनसंख्या कितना है, 135 करोड़, लेकिन अभी जब मतलब 10 साल बाद अगर होता है, यानी कि 2022-23 में अगर होगा जनगणना, तो उसमें जनसंख्या कितना होगा, अप्रोक्स मतलब 150 करोड़ के आसपास होगा, क्योंकि जनगणना के अनुसार जनसंख्या क्या होगा, बढ़ते ही जा रहा होगा, जनसंख्या तो बढ़ ही रहा दिन पर दिन। तो ये सब क्या कहलाएगा, आपका जनांकिकीय विविधता हो सकता है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे असमानता, यानी कि विषमता। असमानता को हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे भाषा में, विषमता भी बोलते हैं। तो आपको एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं होना है, अगर एग्जाम में असमानता पूछे या विषमता पूछे तो आपको दोनों को एक ही समझना है, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इनइक्वलिटी। तो असमानता से तात्पर्य जाति, धर्म, भाषा, सांस्कृतिक परंपराएं, मान्यताएं, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव से है। यानी कि असमानता से तात्पर्य क्या है, जाति, धर्म, भाषा, सांस्कृतिक परंपराएं, मान्यता, लिंग आदि के आधार पर जो भेदभाव होता है वो क्या कहलाता है, आपका समाज में जो होता है भेदभाव, वो क्या कहलाएगा, असमानता कहलाएगा। अर्थात जाति, प्रजाति, व्यवसाय, आय, संपत्ति, शिक्षा, राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक एवं नैतिकता की विभिन्नता के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा, अधिकारों एवं अवसरों में जो भिन्नता उत्पन्न होती है वह क्या कहलाती है, वह असमानता कहलाती है। यानी कि समाज में विभिन्न तरह के क्या देखने को मिलता है, असमानता देखने को मिलता है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, लिंग के आधार पे, तो सब क्या कहलाएगा, ये सब आपके साथ जो भेदभाव हो रहा है वह असमानता में आ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने समाज में ऐसा क्या होता है, प्रतिदिन देखने को मिलता है। यानी कि विभिन्न संप्रदाय के लोगों को बहुत सारे अवसरों से या फिर बहुत सारे अधिकारों से क्या करते हैं, हम लोग वंचित रख देते हैं, तो वैसे इंसान को क्या फील होगा, वो असमानता में उनको लगेगा ना कि हमें समान रूप से नहीं देखा जा रहा है, तो ये सब क्या कहलाएगा, आपका असमानता कहलाएगा। समान न होने की अवस्था असमानता कहलाती है। यानी कि समान न होने की अवस्था क्या कहलाती है, असमानता कहलाती है। अब आगे देखेंगे हम लोग असमानता के प्रकार क्या है, असमानता के प्रकार। पहला क्या आपका है, ग्रामीण शहरी असमानताएं। दूसरा आपका है स्त्री पुरुष असमानताएं। तीसरा है क्षेत्रीय असमानताएं। चौथा है शैक्षिक असमानताएं। और पांचवा क्या है, आर्थिक असमानताएं।
तो ग्रामीण शहरी असमानता है क्या, और देखने को अमूमन मिल ही जाता है गांव के लोगों का रहन सहन खान पान या फिर शहर के लोगों का रहन सहन खान पान में भी अंतर देखने को मिलता है। तो ये सब क्या कहलाएगा आपका, असमानता के प्रकार में आ जाएंगे। स्त्री पुरुष असमानताएँ आपको हो सकते हैं, क्षेत्रीय असमानताएँ हो सकते हैं, शैक्षिक असमानताएँ भी हो सकते हैं, और आर्थिक असमानताएँ भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि अमीर और गरीब के बीच में क्या होता है, आर्थिक असमानताएँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है वंचना। क्या है नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का, वंचना यानी कि डिसेप्शन। तो वंचना का अर्थ क्या होता है, वंचित रहना। वंचना का अर्थ क्या होता है, वंचित रहना। वो मतलब कोई चीज़ से भी हो सकता है, जैसे कि शिक्षा से भी हो सकता है, अपने अधिकारों से भी वंचित रह सकते हैं। तो वंचना का अर्थ क्या होता है, वंचित रहना। वंचना का आशय है जब किसी बालक की समाज में रहते हुए उसकी सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति न हो, उन्हें उनसे वंचित रहना पड़े तो वह वंचना कहलाएगा। यानी कि वंचना का मतलब क्या होता है कि जब किसी बालक को अगर समाज में रहते हुए सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से एवं शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रहा है, अगर उनसे अगर वह वंचित रह जा रहा है तो वह बच्चा क्या कहलाएगा, वंचना के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वंचना सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश से जुड़े आवश्यक एवं अपेक्षित अनुभव उद्दीपकों का अभाव है। वंचना क्या है, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश से जुड़े आवश्यक एवं अपेक्षित अनुभव उद्दीपकों का अभाव है, जिसके फलस्वरूप बालक का वांछित विकास नहीं हो पाता है। यानी कि वंचित बालक क्या होता है, उसका सही रूप से विकास नहीं हो पाता है, उसका मुख्य वजह क्या होता है, वंचना होता है। क्यों हम लोग उसको क्या करते हैं, मतलब वंचित रख देते हैं उन सारी चीज़ों से। आगे हम लोग का पॉइंट है वंचना का अर्थ क्या होता है, अभाव विहीन आदि से होता है। वंचना का अर्थ क्या हो सकता है, अभाव विहीन आदि से होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है वंचना की विशेषताएं, यानी कि वंचना की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो पहला आपका है सांस्कृतिक स्तर निम्न होता है, यानी कि जो बच्चा वंचित रह जाता है किसी भी कारणवश से, उसका सांस्कृतिक स्तर कैसा होता है, निम्न होता है। दूसरा पॉइंट आपका है सांसारिक ज्ञान की कमी होती है, यानी कि जो बच्चे वंचित रह जाते हैं उसका क्या होता है, सांसारिक ज्ञान क्या होता है, उसमें कमी देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट आपका है चिंता और भय की मात्रा अधिक होती है। वंचित बालकों में क्या होता है, चिंता और भय की मात्रा क्या होती है, अधिक रूप से पाई जाती है। चौथा आपका पॉइंट है हीन भावना से ग्रसित रहता है। पांचवा पॉइंट आपका है नकारात्मक स्वबोध से ग्रसित रहता है। छठा पॉइंट आपका क्या है, बौद्धिक स्तर कैसा होता है, उसका निम्न होता है। यानी कि वंचित बालकों का बौद्धिक स्तर कैसा होता है, निम्न स्तर का होता है। सातवां पॉइंट आपका है समस्या समाधान की योग्यता विकसित नहीं हो पाती है। यानी कि वंचित बालकों में, वंचना वाले बालकों में क्या होता है, समस्या समाधान करने की योग्यता नहीं पाई जाती है। अगर पाई भी जाती है तो अच्छे रूप में नहीं पाई जाती है, कम रूप में पाई जाती है। आठवां पॉइंट आपका क्या है, स्मृति तीव्र नहीं होती है। यानी कि वंचित बालकों का जो मेमोरी होता है क्या होता है, तीव्र नहीं होता, यानी कि तेज नहीं होता है। नौवा पॉइंट आपका है संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। कैसे होते हैं, संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। दसवां पॉइंट आपका है असुरक्षा की भावना से पीड़ित रहते हैं। क्या रहते हैं, असुरक्षा की भावना से पीड़ित रहते हैं। हमेशा अपने आप को कैसा महसूस करते हैं वंचित बालक, असुरक्षित महसूस करते हैं। ग्यारहवां आपका पॉइंट है रुचियों का क्षेत्र सीमित होता है। यानी कि वैसे बालकों का ज़्यादा क्षेत्रों में क्या होता है, रुचि नहीं होता है, कम ही क्षेत्रों में आपको रुचि देखने को मिल जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों में वंचना के भाव उत्पन्न होने के मुख्य कारण, यानी कि बच्चों में वंचना का जो भाव उत्पन्न होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है, कैसे बच्चों में वंचना का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो पहला पॉइंट आपका है अल्प आयु से ही रोजी रोटी कमाने की चिंता। क्या होता है, अल्प आयु से ही रोजी रोटी कमाने की चिंता, यानी कि कम उम्र में बच्चे क्या करते हैं, काम अगर करने के लिए सोचने लगते हैं तो वैसे बालक वंचना के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट आपका है शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरणा का अभाव। यानी कि वंचित बालकों में क्या होता है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए मतलब क्षमता तो होती है लेकिन उनको कोई मोटिवेट नहीं कर पाता। अगर वो मोटिवेट नहीं होते तो शिक्षा से वो दूर हो जाते हैं और ऐसे बच्चे वंचना कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरणा का अभाव। आगे आपका है विद्यालयों में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। यानी कि विद्यालय में क्या होता है, पक्षपातपूर्ण भी होता है, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, मतलब एक पक्ष के रूप में, एक पक्ष में ज़्यादा बोलते हैं, एक पक्ष में कम बोलते हैं। तो वैसे स्थिति में बच्चे क्या होते हैं, मतलब विद्यालय छोड़ देते हैं और वो वंचित रह जाते हैं शिक्षा से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे आप लोग का पॉइंट है परिवार तथा आस पड़ोस में लड़ाई झगड़े एवं अश्लीलता के बीच रहना। यानी कि परिवार में भी और आस पड़ोस में क्या होती है, आपको लड़ाई झगड़े देखने को मिलता है या फिर अश्लीलता के बीच में अगर रहना होता है तो वैसे बच्चे भी वंचना, मतलब वंचना के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, गंदे अस्वस्थ स्थान में परिवार के साथ रहना। और लास्ट पॉइंट आपका क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर बालक। यानी कि किसी भी परिवार की अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है
तो वैसे स्थिति में वो बच्चा शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाएगा, तो वैसा बच्चा क्या हो जाएगा, शिक्षा से वंचित रह जाएगा। तो वे सब बच्चे कहाँ पे आ जाएंगे, वे सब बच्चे अवंचना के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग सत्ता, हम लोग आगे क्या पॉइंट है, सत्ता यानी कि पावर। सत्ता शब्द अंग्रेजी शब्द, यानी कि सत्ता जो शब्द है वो कहाँ से, अंग्रेजी शब्द, यानी कि अथॉरिटी का क्या है, हिंदी अनुवाद है। सत्ता क्या है, अंग्रेजी शब्द, अथॉरिटी का हिंदी अनुवाद है, जो लैटिन भाषा के ऑक्टोरिटेस्ट से बना है, जिसका अभिप्राय क्या होता है, सहमति अथवा स्वीकृति होता है। यानी कि सत्ता शब्द का अभिप्राय क्या होता है, सहमति से होता है या फिर स्वीकृति से होता है। किसी व्यक्ति समूह या संस्था द्वारा संसाधनों पर कब्जा तथा उसके उपयोग को सुनिश्चित करने का साम्राज्य ही वर्चस्व है। यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ कि किसी व्यक्ति समूह या संस्था द्वारा संसाधनों पर कब्जा तथा उसके उपयोग को सुनिश्चित करने का साम्राज्य ही वर्चस्व है। यानी कि किसी व्यक्ति का और किसी संस्था पे क्या है, अधिकार ज़्यादा है, किसी समूह पे अधिकार ज़्यादा है या फिर किसी संस्था पे अधिकार ज़्यादा है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, वैसी स्थिति में उसका वर्चस्व क्या हो जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जब कई शक्तीय केंद्रों के बीच इस वर्चस्व का संघर्ष बढ़ जाता है, यानी कि जैसे किसी इंसान का किसी पे ज़्यादा अगर फोकस है, ज़्यादा उस पे वर्चस्व है, तो वैसे स्थिति में क्या करेगा, वो मनमानी करने लगेगा। तब एक ऐसे केंद्र की आवश्यकता पड़ती है, क्या होती है, जब ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाता है समाज में या फिर कहीं भी संस्था में या फिर कहीं स्कूल कॉलेज जो भी है, अगर वैसे स्थिति में अगर कहीं पे एक ही आदमी का वर्चस्व ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा मतलब केंद्र का स्थापना हो जाता है, जो क्या होता है, आवश्यकता पड़ती है, जिससे सभी के बीच में क्या कर सके, सामंजस्य स्थापित कर सके। और इस केंद्र को सत्ता कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, सत्ता कहते हैं। जैसे अपने एग्जाम्पल के रूप में अपने परिवार में ले, तो अगर ज़्यादा परिवार में कलह हो रही है, तो दादाजी क्या बन जाते हैं, मुखिया बन जाते हैं, और सत्ता को वही संभालते हैं, यानी कि सारी स्थितियों क्या करते हैं, वही देखभाल करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम में हो तो वो सारी समस्या को क्या करते हैं, समाधान करते हैं। तो यानी कि सारा पावर किन के पास आ जाता है, दादाजी के पास आ जाता है। तो वैसे ही स्थिति में अगर देश राज्य समाज जो भी है, अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो किसी के हाथ में क्या होनी चाहिए, सत्ता होनी चाहिए, यानी कि पावर होनी चाहिए, क्या कर सके वो, कि सारी स्थितियों क्या कर सके, ठीक कर सके और समाज को अच्छे मतलब विकास के राह पे ला सके। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है, सत्ता एक ऐसा शब्द है जो किसी इंसान को प्राप्त होता है। सत्ता क्या है, एक ऐसा शब्द है जो किसी इंसान को प्राप्त होता है, तो उसके पास क्या आ जाता है, उसके पास पावर आ जाती है। यानी कि सत्ता एक ऐसा शब्द है जो किसी इंसान को प्राप्त होता है, तो उसके पास पावर आ जाती है। सत्ता द्वारा हम अपने अधिकार का उपयोग करते हैं, यानी कि सत्ता के द्वारा हम अपने अधिकार का उपयोग करते हैं और दूसरों को दिशा निर्देश देते हैं और लोगों और लोग हमारे अंडर कार्य करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, जैसे कि किसी भी राज्य का CM, तो उनके पास क्या होता है, पावर होता है। तो क्या करते हैं, पावर के अपना तो उपयोग करते हैं, साथ साथ दूसरों को क्या करते हैं, दिशा निर्देश भी देते हैं कि ऐसे ऐसे कार्य कीजिए, और अपने अंदर मतलब अपने अंदर क्या करते हैं, बहुत सारे इंसान को क्या करते हैं, कार्य रूप से मतलब चलाते हैं। किसी भी राज्य को चलाने के लिए क्या होता है, DM की आवश्यकता होती है, तो सारे अपने मतलब DM को अपने अंडर रखे, अपने अधीन रखे क्या करते हैं, कार्य को करवाते हैं सही ढंग से। तो सारा सत्ता किन के हाथ में होता है, CM के पास में होता है। ये एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को मैंने बताया। अब आगे देखते हैं हम लोग, मानव जीवन के प्रत्येक पहलू के साथ, यानी कि एग्जाम्पल के रूप में देखें तो मानव जीवन के प्रत्येक पहलू के साथ सत्ता कहीं ना कहीं दिखती है या फिर सत्ता संबंधित रहती है। तो पहला देख ले पॉइंट, जैसे कि टीम में कप्तान की सत्ता, यानी किसी भी टीम, किसी भी खेल का अगर टीम बनता है तो उसमें एक कप्तान होता है, तो सारा सत्ता किसके पास होता है, कप्तान के पास होता है, क्योंकि सारे फैसला वो खुद कर सकते हैं, किसको सेलेक्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, तो सारा पावर किसके पास होता है, कप्तान के पास होता है। यही एग्जाम्पल के रूप में है सत्ता के मतलब। नेक्स्ट आपका है परिवार में पिता की सत्ता, यानी किसी परिवार में क्या होता है, पिताजी का या फिर दादाजी का क्या होता है, सत्ता होता है, जो वह कहेंगे वही होता है परिवार में, जो अच्छा कहेंगे वही होगा। नेक्स्ट आपका है राजनीतिक दल में दल प्रमुख की सत्ता, यानी किसी भी जो राजनीतिक पार्टियां है उसमें क्या होता है, एक इंसान क्या होता है, सभी प्रमुख मतलब सभी दलों का क्या होता है, मतलब अपने दल का क्या होता है, वो प्रमुख नेता होता है, जो भी फैसला लेना होता है कौन लेता है, वही लेता है, यानी कि उसके पास क्या होता है, पावर होती है, सत्ता होती है उसके पास। नेक्स्ट आपका है विद्यालय में प्रचार्य की सत्ता, यानी कि विद्यालय में क्या होता है, जो प्रचार्य होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, उनके पास क्या होती है, पावर होती है, यानी कि सत्ता होती है। स्कूल में किसी भी तरह का गतिविधियाँ कराना है, स्कूल में मतलब क्लास सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो कैसे उसे सुनिश्चित किया जाए, तो ये सब सारे पावर किनके पास होते हैं, विद्यालय के प्रचार्य के पास होते हैं। तो उनके पास क्या होती है, पावर होती है। सत्ता का मतलब क्या होता है, पावर, यानी कि खुद भी कार्य करना और दूसरे को क्या कर देना, दिशा निर्देश देना, और अपने अंडर मतलब सभी इंसानों का करना, कार्य रूप से करवाना जो भी उस संगठन से जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं हम लोग सत्ता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि सत्ता को कौन कौन से पॉइंट क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। सत्ता को प्रभावित करने वाले कारक में कौन कौन से हो जाएंगे, राजनीतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक,
संवैधानिक कारक और आपका लास्ट क्या हो जाएगा, विचार एवं मूल्य। तो ये सब क्या करते हैं, सत्ता को प्रभावित करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं वर्चस्व। आगे हम लोग का कौन सा पॉइंट है, वर्चस्व यानी कि डोमिनेशन। जब किसी समूह का अन्य समूहों के ऊपर राजनैतिक, आर्थिक, वैचारिक या सामाजिक दबदबा बनाया जाए तो वर्चस्व कहलाती है। यानी कि जब किसी समूह के ऊपर या फिर जब किसी इंसान के ऊपर क्या किया जाए, उस पर राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से या सामाजिक रूप से अगर दबदबा बनाया जाए तो वह क्या कहलाएगा, वर्चस्व कहलाएगा। वर्चस्व के प्रकार देखा जाए तो तीन होते हैं, सैन्य वर्चस्व, आर्थिक वर्चस्व और सांस्कृतिक वर्चस्व। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं सैन्य वर्चस्व क्या होता है। सैन्य वर्चस्व किसी भी देश समूह पर दबदबा कायम रखने का मुख्य आधार है। यानी कि सैन्य वर्चस्व से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी देश पर क्या कर सकते हैं, दबदबा बना सकते हैं। किसी देश की सैन्य शक्ति अधिक होती है तो वह अपनी शक्ति और ताकत के बल पर किसी भी देश पर दबदबा बना सकती है। यानी अगर किसी देश का सैन्य शक्ति क्या है, अच्छा है, तो वह किसी देश पर क्या कर सकता है, ताकत मतलब अपना लगा सकता है, अपना वहाँ पर अपना बल दिखा सकता है और किसी भी देश पर क्या कर सकता है, अपना दबदबा बना सकता है। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या है, आर्थिक वर्चस्व। दूसरा पॉइंट क्या हम लोग का है, आर्थिक वर्चस्व। आर्थिक वर्चस्व का मतलब विश्व की अर्थव्यवस्था में अपना दबदबा बनाकर रखना है। यानी कि जो विश्व की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें आर्थिक रूप से मजबूत अगर हम लोग रहेंगे तो क्या कर सकते हैं, अपना वहाँ पर दबदबा कायम रख सकते हैं। यदि किसी देश की आर्थिक स्थिति मजबूत रही तो वह अपने मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण या बलबूते किसी देश पर अपना हुकूमत चला सकता है। अगर किसी देश का आर्थिक व्यवस्था अच्छा है तो वो दूसरे देशों पर क्या कर सकता है, मतलब उस पर अपना बल दिखा सकता है, अपनी ताकत दिखा सकता है और अपना वर्चस्व वहाँ पे जमा सकता है और अपना वहाँ पे हुकूमत भी चला सकता है। नेक्स्ट पॉइंट अब क्या है, सांस्कृतिक वर्चस्व। सांस्कृतिक वर्चस्व के द्वारा कोई देश अपनी धरोहर, सांस्कृतिक तथा सभ्यता को अन्य देशों से प्रबल बना सकता है। अगर किसी देश का सांस्कृतिक वर्चस्व अच्छा है, ज़्यादा है, तो क्या कर सकता है, किसी दूसरे देश का भी क्या कर सकता है, सांस्कृतिक क्या कर सकता है, उसको मतलब अपने देशों में लागू कर सकता है या फिर उसके मतलब अपना वर्चस्व को दूसरे देशों में क्या कर सकता है, लागू करवा सकता है। तो ये आपका तीन है, यानी कि सैन्य वर्चस्व, आर्थिक वर्चस्व और आपका लास्ट क्या है, सांस्कृतिक वर्चस्व। तो ये वर्चस्व के क्या है, प्रकार है। अब हम आगे देखेंगे हम लोग प्रतिरोध, क्या देखेंगे आगे हम लोग, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। प्रतिरोध से अभिप्राय है विरोध करना। प्रतिरोध से अभिप्राय क्या है, विरोध करना, और विरोध भी अन्याय असंगत के विरुद्ध। यानी कि विरोध भी करना है तो किसी खिलाफ करना है, अन्याय के खिलाफ करना है या फिर किसी असंगत कार्य के विरोध करना है। ऐसा नहीं कि किसी अच्छे काम के लिए हम लोग क्या कर दे, विरोध कर दे, ये गलत बात है। तो विरोध करना है अच्छे मतलब जो काम समाज में खराब हो रहा है उसके लिए क्या करना है, हम लोग को विरोध करना है यानी कि प्रतिरोध करना है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, वह व्यक्ति या समूह जो समाज के नियमों एवं कानूनों के विपरीत जाकर उनका विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि वह व्यक्ति या समूह जो समाज के नियमों एवं कानूनों के विपरीत जाकर उनका विरोध करता है, क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्रतिरोध के प्रकार। तो इसमें पहला आपका है राज्य के आधार पर, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, आपका आगे है क्षेत्र के आधार पर और जाति के आधार पर। जाति के आधार पर प्रतिरोध देखने को मिलता है, क्षेत्र के आधार पर भी प्रतिरोध देखने को मिलता है, राज्य के आधार पर भी देखने को मिलता है आपका, धर्म के आधार पर भी और संस्कृति के आधार पर भी प्रतिरोध देखने को मिलता है। यानी कि प्रतिरोध करने का मतलब क्या होता है, विरोध। लास्ट आपका पॉइंट है प्रतिरोध के मूल कारक, यानी कि प्रतिरोध के मूल कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपका हो जाएगा अलगाववादी, अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक संस्था, वंचना, असमानता और सत्ता का दबाव। यानी कि जैसे कि अलगाववादी होता है तो वहाँ भी आपको विरोध देखने को मिल जाता है। अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक संस्था, यानी कि अगर कोई संस्था है, अगर बहुसंख्यक की संख्या ज़्यादा है तो अल्पसंख्यक क्या करेगा, उसका विरोध करेगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्रतिरोध देखने को मिल जाएगा। वंचना देख सकते हैं, किसी भी इंसान को अगर हम वंचित रख देते हैं तो वो भी क्या कर सकता है, अपनी आवाज़ उठा सकता है, यानी कि उसके विरोध में बोल सकता है, खड़ा हो सकता है। असमानता की भावना अगर समाज में उत्पन्न हो गई है तो वहाँ भी विरोध आपको देखने को मिल सकता है। और लास्ट में क्या है, सत्ता का दबाव। सत्ता का दबाव अगर ज़्यादा हो गया तो वहाँ भी आपको प्रतिरोध देखने को मिल सकता है। आगे हम लोग देखते हैं प्रतिरोध का संबंध मात्र विरोध करके वाहवाही लूटना नहीं होता है। यानी कि प्रतिरोध का संबंध मात्र विरोध करके वाहवाही लूटना नहीं होता है, बल्कि अन्यायिक, असंगत एवं अनैतिक के विरुद्ध आवाज़ उठाकर उसे न्यायिक, संगत और नैतिक करने की प्रक्रिया होती है। यानी कि प्रतिरोध का संबंध सिर्फ विरोध करके वाहवाही लूटना नहीं होता है, क्या होता है, अन्याय के खिलाफ, असंगत के खिलाफ, अनैतिक कार्यों के खिलाफ क्या करना है, आवाज़ उठाइए और उसके लिए अच्छा काम करने का प्रयास कीजिए। तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्रतिरोध कहलाएगा और ये अच्छा प्रतिरोध होता है। आगे हम लोग का क्या पॉइंट है,
समता। क्या पॉइंट है हम लोग का? लास्ट पॉइंट हम लोग का है समता, यानी कि समता एक ऐसी आदर्श अवस्था है जिसका तात्पर्य समाज में सभी की बराबरी स्थिति से है। यानी कि समता एक ऐसी आदर्श अवस्था है जिसका तात्पर्य क्या होता है? समाज में सभी की बराबरी की स्थिति, यानी समाज में सभी को अगर बराबर नज़र से देखा जाए, सभी की बराबर की स्थिति हो तो क्या कहलाएगा? आपका समता कहलाएगा। किसी समाज की वह स्थिति जिसमें उन समाज के सभी व्यक्ति समान हो, समता कहलाता है। यानी किसी समाज की वह स्थिति जिनमें समाज के सभी व्यक्ति कैसा हो? समान हो, तो क्या कहलाएगा? आपका समता कहलाएगा। समता का अर्थ समाज में व्याप्त असमानता को दूर कर बराबरी की स्थिति में लाना भी है। यानी कि समता का अर्थ क्या हो सकता है दूसरे शब्दों में? समाज में व्याप्त असमानता को दूर कर बराबरी की स्थिति में लाना क्या कहलाता है? समता कहला सकता है, या फिर समता होता ही है। समता का संक्षिप्त पर्याय समान होने के भाव से भी है। यानी कि समता का संक्षिप्त पर्याय देखा जाए तो क्या हो सकता है? समान होने के भाव से है। समता नैतिक निर्णय तथा व्यक्ति परक है। समता क्या है? नैतिक निर्णय तथा व्यक्ति परक है। अब हम लोग का पॉइंट है समानता। क्या हम लोग का पॉइंट है? समानता, यानी कि इक्वलिटी। समानता ऐसी अवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करते हैं। यानी कि समानता कैसी अवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति समान परिस्थिति में समान व्यवहार करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? समानता कहलाते हैं। समानता समता की प्राप्ति हेतु सभी के साथ किया जाने वाला अधिकार है। समता क्या है? समानता समता की प्राप्ति हेतु सभी के साथ किया जाने वाला अधिकार है। समानता का तात्पर्य अवसर की समानता से है। जाति, रंग, नस्ल, धर्म आदि के कारण किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। यानी कि समानता में क्या होता है? किसी भी इंसान को भेदभाव नहीं किया जाता है, या फिर जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, नस्ल के आधार पे, धर्म के आधार पे क्या होता है? भेदभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। किसी वर्ग या समुदाय या संप्रदाय को विशेष अधिकार न दिया जाता है। यानी कि समता में क्या होता है? समानता में कि किसी भी जाति को, किसी भी वर्ग को, किसी भी संप्रदाय को विशेष अधिकार नहीं दिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, अंततः समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से है जिनके परिणाम या जिनके कारण सभी व्यक्तियों को विकास के समान अवसर प्राप्त हो सके। समानता में क्या होता है? ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि सभी को मतलब समान अवसर मिलता है, सभी को विकास करने का समान अवसर प्राप्त होता है, साथ ही सामाजिक भेदभाव का अंत हो सके। क्या हो सके? सामाजिक जो समाज में जो भेदभाव हो रहा है उसका क्या हो सके? अंत हो सके। इसके लिए हम लोग को समाज में समानता की भावना लाना काफ़ी जरूरी है। साथ ही सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके, और साथ ही क्या हो सके? सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके। यानी कि समाज में अगर समानता का भावना होगा तो सब एक दूसरे के प्रति क्या होंगे? अच्छे सोचेंगे, तो कोई भी गलत कार्य नहीं होगा, और गलत कार्य भी होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसका न्याय समाज में ही कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग समानता के पक्ष, यानी कि समानता के पक्ष कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला आपका होगा सकारात्मक पक्ष, और दूसरा क्या होगा? आपका नकारात्मक पक्ष, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव जो होता है वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं सकारात्मक पक्ष का, यानी कि समानता में सकारात्मक पक्ष क्या हो सकता है। सकारात्मक पक्ष के अनुसार समानता का अर्थ एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। यानी कि समानता का जो पॉजिटिव क्या हो सकता है कि सभी लोगों को, मतलब एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, सभी लोगों को समान समझा जाए और सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। समानता का सकारात्मक पक्ष निष्पक्षता पर बल देता है। यानी कि समानता का जो सकारात्मक पक्ष क्या होता है? निष्पक्षता पर बल देता है। यानी कि सभी के साथ क्या होता है? निष्पक्ष भावना रखे, निष्पक्ष न्याय करे, तो ये सब क्या कहलाएगा? आपका समानता का सकारात्मक पक्ष कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। यानी कि समाज के जो प्रत्येक व्यक्ति हैं उनको अपने विकास के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। यह समानता का क्या हो जाएगा? सकारात्मक पक्ष कहलाएगा। जैसे कि शिक्षा प्राप्ति का अधिकार बुद्धिमत्ता एवं योग्यता के आधार पर सभी को मिले, यानी जो शिक्षा है वो सभी को मिलना चाहिए, ये क्या कहलाएगा? आपका समानता का सकारात्मक पक्ष में आ जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग नकारात्मक पक्ष। नकारात्मक पक्ष में समानता का अर्थ विशेषाधिकारों का अभाव से है। यानी कि विशेष रूप से जिसको अधिकार प्राप्त है वो क्या कहलाएगा? आपको असमानता का भावना नहीं उत्पन्न होगा, तो वहाँ पर अभाव देखने को मिल जाएगा। इसका सामान्य अर्थ है कि रंग, नस्ल, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव न किया जाए। क्या किया जाए? भेदभाव नहीं किया जाए किसी को, किसी भी समाज के लोगों के साथ रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। इसमें समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी लोगों के साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार किया जाए। यानी कि नकारात्मक पक्ष क्या होता है? इसमें सभी के लोगों को समान नहीं समझा जाता है, सभी के साथ क्या हो सकता है? किसी के साथ भेदभाव हो सकता है। तो ये आपका निगेटिव मतलब पक्ष हो सकता है किसका? समानता का। जैसे एक साधारण मजदूर को एक शिक्षित एवं एक साधारण मजदूर हो गया और एक शिक्षित योग्य डॉक्टर हो गया, तो दोनों का वेतन क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। तो ये आपका नकारात्मक पक्ष में आएगा। आगे हम लोग बात करेंगे सामाजिक न्याय। आगे हम लोग का पॉइंट क्या है? सामाजिक न्याय, यानी कि सोशल जस्टिस।
सामाजिक न्याय से अभिप्राय उस न्याय से है जो सामाजिक व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव को प्रदान किया जाता है। यानी कि समाज में अगर किसी भी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो समाज के जो वर्ग हैं, सदस्य हैं, वो क्या करे, किसी भी भेदभाव नहीं करे और सामाजिक रूप से जो न्याय उचित हो वो प्रदान करे। यह प्रत्येक व्यक्ति को समाज में उचित स्थान प्राप्त करने का विश्वास दिलाता है। यानी जो सामाजिक न्याय होता है क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति को समाज में उचित स्थान दिलाने का और प्राप्त करने का विश्वास दिलाता है। समान स्तर पर प्राप्त करने के लिए जो भी कठिनाइयाँ आती है उन्हें दूर करने का प्रेरणा देती है। यानी कि समान स्तर पर या फिर समाज में जो भी कठिनाइयाँ आती है उसे दूर करने का जो अवसर होता है वो कहाँ पे आपको मिलता है, समाज में देखने को मिलता है। और किसके द्वारा होता है, वो सामाजिक न्याय के द्वारा ही होता है। तो सामाजिक न्याय काफ़ी जरूरी है समाज में, ताकि जो भी इंसान को कठिनाइयाँ हो उसे समाज में दूर किया जाए और उसके लिए मतलब क्या उसका मापदंड होगा वो तैयार वहीं पर हो जाए तो वो अच्छा होता है। और सामाजिक न्याय काफ़ी जरूरी है समाज के लिए। अब हम बात करेंगे सामाजिक न्याय की आवश्यकता, यानी कि सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों है हम लोगों को, तो ये काफ़ी ज़रूरी भी है। और हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिलाने के लिए सर्वांगीण विकास हो। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिलाने के लिए क्या हो, सर्वांगीण विकास हो। दूसरा पॉइंट अब क्या है, किसी के साथ अन्याय न हो, क्योंकि न्याय न मिलने पर आक्रोश उत्पन्न होता है। अगर किसी इंसान के साथ क्या हो सकता है, अगर अन्याय हम लोग करते हैं तो क्या होगा, अगर उसको हम लोग न्याय नहीं दिए तो इंसान क्या हो जाएगा, आक्रोशित हो जाएगा और समाज में कुछ गलत कर सकता है। तीसरा पॉइंट अब क्या है, अमीर गरीब में भेदभाव न हो। यानी कि अमीर और गरीब में क्या हो, भेदभाव नहीं हो, क्योंकि इसमें क्या होती है, खाई बढ़ती है और एक दूसरे कैसे देखते हैं, एक दूसरे को हीन भावना से देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या आपका है, बंधुत्व समानता आदि को बढ़ावा मिल सके। सामाजिक न्याय से क्या हो सकता है, बंधुत्व भावना का क्या होता है, विकास हो सकता है। और पाँचवा पॉइंट अब क्या है, सभी में समाज के आदर्श गुणों को विकसित हेतु सामाजिक न्याय की आवश्यकता होती है। यानी कि सभी जो समाज के लोग हैं सभी में कैसा गुण, आदर्श गुण, यानी कि आइडियल गुण के लिए क्या हो सकता है, सामाजिक न्याय काफ़ी जरूरी है। तो भारतीय समाज में शिक्षा उसके यूनिट 2 यानी कि शिक्षा के समकालीन मुद्दे, इस वीडियो में हम लोग यूनिट 2 को पूरे रूप से देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक। तो आप लोग वीडियो में बने रहे और वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग का इस टॉपिक में आधुनिकीकरण, यानी कि आधुनिकीकरण क्या होता है। तो आधुनिकीकरण से तात्पर्य है सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक तथा धार्मिक संगठन, नैतिक मूल्यों से प्रेरणा, उपलब्धियों तथा आकांक्षाओं को अन्य उन्नत समाजों के अनुरूप करना ही आधुनिकीकरण है। यानी कि आधुनिकीकरण से क्या तात्पर्य निकलता है, यानी उससे क्या मतलब निकलता है, सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक तथा धार्मिक संगठन, नैतिक मूल्यों से प्रेरणा, उपलब्धियों तथा आकांक्षाओं को अन्य उन्नत समाजों के अनुरूप करना ही आधुनिकीकरण है। आगे हम लोग देखते हैं, आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो गतिशील है। जो आधुनिकीकरण वह कैसी प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण के द्वारा परंपरागत समाज में परिवर्तन आती है जो कि मनुष्य भौतिक साधनों का तकनीकी रूप से प्रयोग कर बदलाव लाता है। यानी कि आधुनिकीकरण कैसी है, गतिशील प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण के द्वारा ही परंपरागत समाज में परिवर्तन आता है जो कि मनुष्य भौतिक साधनों का तकनीकी रूप से प्रयोग कर बदलाव लाता है। यह प्रगतिशील एवं आगे चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि जो आधुनिकीकरण है कैसी प्रक्रिया है, प्रगतिशील प्रक्रिया है, जो हमेशा चलती है और साथ साथ आगे भी चलती है। अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल रूप में समझने का प्रयास करें तो हम लोग ले सकते हैं शिक्षा को। तो शिक्षा पहले कैसी थी, मदरसों में मिलता था या फिर कहीं पे मतलब आश्रम बना के मतलब गुरु के द्वारा शिक्षा दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, विद्यालय का स्थापना हुआ। जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, विद्यालय का स्थापना हुआ। और धीरे धीरे अब तो मतलब ICT के आ जाने से और काफ़ी जो सूचना संचार तकनीकी में जो विकास हुआ है तो क्या हो गया, शिक्षा अब ऑनलाइन भी हो चुका है, तो शिक्षा ग्रहण करना काफ़ी आसान हो चुका है। तो ये सब कैसे हुआ है, आधुनिकीकरण के ही हुआ है। और अन्य और क्षेत्रों में भी हम लोग देख सकते हैं जो कि आधुनिकीकरण के कारण हम लोग क्या हो गया है, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है आधुनिकीकरण के तत्व, यानी कि आधुनिकीकरण के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो इसमें है कि इस भौतिक साधनों को नियंत्रित करने में मनुष्य द्वारा तकनीकी प्रयोग किया जाता है। यानी कि आधुनिकीकरण को नियंत्रित करने के लिए कैसा प्रयोग किया जाता है, तो तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो सूचना संचार तकनीकी जो मतलब अभी काफ़ी बढ़ गया है, इसके द्वारा ही क्या हो गया, आधुनिकीकरण ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसमें मानव जीवन के मामलों एवं मानव व्यवहारों में नए ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसमें आधुनिकीकरण के तत्वों में औद्योगिकरण में भी काफ़ी विकास देखने को मिल रहा है, नगरीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, आर्थिकीकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ावा, और लास्ट आपका क्या है, राजनीतिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। यानी कि राजनीतिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, ये सब क्या है आपका, आधुनिकीकरण के तत्व हैं। आगे देखते हैं हम लोग,
आधुनिकीकरण की विशेषताएं, यानी कि आधुनिकीकरण की क्या क्या विशेषताएं होगी अब हम लोग जानते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट है आधुनिकीकरण परिवर्तन की सार्वभौमिक प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण क्या है, परिवर्तन की क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी जगह या स्थान पर होती है। जो आधुनिकीकरण वह क्या है, सभी जगह पर होती है, सभी स्थानों पर होती है। आधुनिकीकरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास की आत्मा है, यानी कि आधुनिकीकरण क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास का क्या है, आत्मा है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है आधुनिकीकरण में नगरीकरण में वृद्धि, समानता, स्वतंत्रता तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। आधुनिकीकरण से क्या होता है, नगरीकरण होता है, समानता, स्वतंत्रता तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है आधुनिकता आर्थिक तथा राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि करती है। आधुनिकता क्या करती है, आर्थिक तथा राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि करती है। आधुनिकीकरण में व्यवहारिक विज्ञान का विकास होता है। आधुनिकीकरण में नए विचारों को स्वीकार किया जाता है। आधुनिकीकरण में शिक्षा का प्रसार होता है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाता है, यानी कि आधुनिकीकरण से क्या होता है, सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। आधुनिकीकरण से भिन्न प्रकार के ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होती है। आधुनिकीकरण से राष्ट्र एवं समाज को नई दिशा मिल रही है, यानी कि आधुनिकीकरण होने से क्या हो रहा है, राष्ट्र एवं समाज को नया दिशा मिल रहा है। आगे देखते हैं हम लोग आधुनिकीकरण के लाभ क्या है। पॉइंट हम लोग का नेक्स्ट आधुनिकीकरण के लाभ, यानी कि आधुनिकीकरण से क्या क्या लाभ देखने को मिल रहा है। तो संचार माध्यम की सुविधा, सतत निरौपचारिक, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास, आधुनिकीकरण शहरीकरण एवं औद्योगिकरण को अनियंत्रित होने से रोकता है, समस्याओं को सुलझाने का साम्राज्य का विकास। अब देखते हैं हम लोग आधुनिकीकरण की हानि, यानी कि इससे हानि क्या क्या हो रहा है, क्या पॉइंट हम लोग का नेक्स्ट आधुनिकीकरण की हानि। पहला आपका है समाज में नए प्रकार की अपराध बढ़ रहे हैं। छात्र सामाजिक मूल्यों एवं परंपराओं की अवहेलना कर रहे हैं। आधुनिकीकरण से छात्र एवं समाज अपने अतीत के महत्व को अनदेखी करने लगता है। समाज परंपरागत तकनीक एवं विधियों को नज़रअंदाज करने लग रहा है। परंपरागत आदर्श मूल्यों को क्षति पहुंचा रही है। तो ये सब क्या आपके पॉइंट, जो ये पांच पॉइंट है किसके पॉइंट है, आधुनिकीकरण की हानि है। यानी कि जो आधुनिकीकरण हो रहा है उससे कुछ लाभ भी हो रहा है तो कुछ हानियाँ भी हो रही है समाज में। तो हमने इस वीडियो में दोनों पॉइंट को शामिल किया है, हानि को भी और लाभ को भी। आगे हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिकीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो विद्यालयों की स्थिति में सुधार हुआ है, विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है। और अब लास्ट क्या है, विद्यालयों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है, यानी कि जो विद्यालय की जो संख्या है पहले कम थी लेकिन अब जैसे जैसे मतलब इसमें विकास हो रहा है वैसे वैसे स्टूडेंट के हिसाब से विद्यालय की व्यवस्थापना तेजी से हो रही है। आगे हम लोग देखते हैं वैश्वीकरण, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। तो वैश्वीकरण का अभिप्राय किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने से है। यानी कि जो वैश्वीकरण शब्द है उसका क्या अभिप्राय होता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ने से होता है। यानी कि एक देश की अर्थव्यवस्था अगर दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से क्या हो रहा है, अगर जुड़ने का प्रयास कर रहा है तो ये सब क्या कहलाएगा, आपका वैश्वीकरण का दौर कहलाएगा। वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है ताकि संपूर्ण विश्व एक ही अर्थव्यवस्था और एक बाजार के रूप में कार्य कर सके। यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था, यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ क्या करना है, एकीकृत करना है, यानी कि इकट्ठा करना है ताकि संपूर्ण विश्व क्या हो जाएगा, एक ही अर्थव्यवस्था और एक ही बाजार के रूप में नजर आए, तब ताकि लगे कि वैश्वीकरण तेजी से हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के सभी देश एक दूसरे से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यानी कि वैश्वीकरण होने से या फिर वैश्वीकरण क्या क्या फ़ायदा है कि क्या होते हैं, एक देश दूसरे देश से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से क्या होते हैं, एक देश दूसरे देश से जुड़े रहते हैं। तो ये सब कैसे होता है, ये सब वैश्वीकरण के कारण ही होता है। वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य ही है क्या कि एक देश दूसरे देश से क्या करे, मिलजुल कर काम करे, मिलजुल कर रहे, मिलजुल कर अच्छा संबंध रहे, तो ताकि क्या होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से हो सके किसी भी सामान का। वर्तमान समय में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आपस से जुड़ी हुई है। जो अभी का वर्तमान समय उसमें क्या हो गया है, पूरी दुनिया का जो अर्थव्यवस्था है क्या हो गया, आपस में जुड़ा हुआ है, जो कि वैश्वीकरण का उचित उदाहरण है। मतलब ये जीता जागता उदाहरण है किसका, वैश्वीकरण का, क्योंकि एक देश दूसरे देश का हेल्प लेता है तो ये अमूमन बात है। तो इसके लिए हम लोगों का क्या है, वैश्वीकरण का होना काफ़ी ज़रूरी है और ये वैश्वीकरण काफ़ी तेज़ी से हो भी रहा है और ये देखने को भी अपने समाज में, अपने देश में मिल रहा है।
वैश्वीकरण के द्वारा व्यवसायिक क्रियाओं को विश्व स्तर पर विस्तार होता है, यानी कि वैश्वीकरण के द्वारा क्या होता है, जो व्यवसायिक क्रियाएं होती है, जो व्यापार होता है, वह क्या होता है, विश्व स्तर पर क्या होता है, उसका विस्तार होता है। साथ ही उनमें प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का भी विकास होता है। वैश्वीकरण के कारण ही विश्व स्तरीय समस्याओं का समाधान, जिनमें शांति, सुरक्षा, गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी आदि मुख्य है, यानी कि जो वैश्वीकरण से क्या होता है, व्यवसायिक क्रियाओं में तो आसानी होती है, साथ ही साथ क्या होता है, प्रतिस्पर्धा भी होती है। यानी कि अगर यहाँ का कोई सामान अगर दूसरे देश में जा रहा है, तो अगर बिक्री ज़्यादा है, अच्छा मतलब वहाँ पे उसका रिजल्ट आ रहा है, तो यहाँ से और उत्पादक बढ़ेगा और देश में और ज़्यादा मतलब यहाँ से सामान भेजा जाएगा, फिर वहाँ से भी कुछ हम लोग लेकर अपने देश में सामान को बेच सकते हैं, तो ये सब क्या होगा, आपस में अच्छा संबंध बनेगा, तो क्या हो जाएगा, देश में विकास काफ़ी तेज़ी से होगा। आगे देखते हैं, वैश्वीकरण के कारण ही विश्व स्तरीय समस्याओं का समाधान मतलब काफ़ी अच्छे से होता है, यानी कि अगर दो देशों के बीच अगर वैश्वीकरण के कारण अच्छा संबंध है, तो अगर किसी भी समय अगर किसी भी तरह की घटना अगर घटती है, तो दोनों देशों के बीच में क्या होगा, ज़्यादा तकलीफें नहीं होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, दोनों देशों के बीच आपस में तुरंत ही संबंध अच्छा हो जाएगा और फिर सामान्य रूप से जीवन देश में चालू हो सकता है। तो वैश्वीकरण होना काफ़ी जरूरी है, और वैश्वीकरण के कारण ही अभी बहुत सारे देशों के बीच क्या हो गया, भारत का संबंध अच्छा नज़र आ रहा है। वैश्वीकरण ऐसा माध्यम है जो सभी राष्ट्रों को परस्पर बांधता है। वैश्वीकरण कैसा माध्यम है, जो सभी राष्ट्रों को परस्पर बांधता है, यानी कि एक नज़र से देखता है, जिसमें वे सभी अपनी समस्याओं का समाधान मिलकर एकजुट होकर कर सकते हैं। यानी अगर किसी देश पर किसी तरह का समस्या आता है, तो सभी देश मिलकर क्या करेंगे, उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो इसका मुख्य वजह क्या होगा, वैश्वीकरण ही होगा। आगे देखते हैं हम लोग, वैश्वीकरण के द्वारा भारत जैसे विकासशील देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ तकनीकी का हस्तांतरण होते जा रहा है, जिसमें भारत में उत्पादन क्षमता एवं अच्छी कीमत वाली उपयोग की वस्तु कुशल कीमत पर उपलब्ध है। यानी कि वैश्वीकरण के द्वारा भारत जैसे विकासशील देश में क्या हो रहा है, विदेशी निवेश के साथ साथ तकनीकी का भी हस्तांतरण तेजी से हो रहा है, जिससे भारत में क्या हो रहा है, उत्पादन क्षमता एवं अच्छी कीमत वाली उपयोग की वस्तु यानी कम दामों में यानी कुशल कीमत पर क्या हो रहा है, मतलब इंसान को मिल जा रहा है या फिर लोगों को उपलब्ध हो जा रहा है। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये सब वैश्वीकरण के कारण ही हो रहा है। तो वैश्वीकरण काफ़ी अच्छा है और दो देशों के बीच अच्छा संबंध बनाने के लिए वैश्वीकरण का होना काफ़ी जरूरी है। आगे हम लोग देखते हैं वैश्वीकरण की विशेषताएं क्या क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट है, वैश्वीकरण एक विश्व एक राज्य की ओर बढ़ता प्रयास है। क्या है, वैश्वीकरण एक विश्व या एक राज्य की ओर बढ़ता प्रयास है। वैश्वीकरण सहयोग, पारस्परिक निर्भरता तथा पारस्परिक संबंधों को व्यवहार में बदलने की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण क्या है, सहयोग, निर्भरता तथा संबंधों को व्यवहार में बदलने की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण दूरियों को कम करने की एक प्रक्रिया है। वैश्वीकरण क्या हो सकता है, दो देशों के बीच, दो राज्यों के बीच क्या कर सकता है, दूरियों को कम कर सकता है। वैश्वीकरण राज्यों की अर्थव्यवस्था को निकट लाने की एक प्रक्रिया है। वैश्वीकरण क्या है, राज्यों की जो अर्थव्यवस्था है अगर गड़बड़ा गई है, तो उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें, पांचवा पॉइंट है, यह एक ऐसी क्रिया है जिसका स्वरूप बहुमुखी है, यानी कि जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं तकनीकी आदि। यानी इसका स्वरूप कैसा है, एक जैसा नहीं है, एक ही जगह पर स्थित नहीं है, क्या है, बहुमुखी है, यानी कि बहुत सारे इससे फायदे हैं, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, बौद्धिक रूप से एवं तकनीकी रूप से भी फायदे हैं। आगे हम देखते हैं वैश्वीकरण का शिक्षा पर प्रभाव, यानी कि वैश्वीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो पहला इसमें पॉइंट है हम लोग का, वैश्वीकरण का शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कैसा प्रभाव पड़ रहा है, सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और वैश्वीकरण का शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि दोनों प्रभाव पड़ रहा है। वैश्वीकरण का शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है और शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। जैसे सकारात्मक में देखा जाए, तो जैसे कि अभी शिक्षा क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया है, काफ़ी आसान हो गया है, सुलभ हो गया, दुर्लभ जो दूर दराज के लोग हैं जो शिक्षा को सही रूप से ग्रहण नहीं कर पाते हैं, गाँव में ही रहकर पढ़ना चाहते हैं आर्थिक स्थिति के कारण, तो वैसे इंसानों को भी शिक्षा आसानी से उपलब्ध हो जा रही है। और नकारात्मक में देखा जाए, तो काफ़ी सारा निगेटिविटी भी मतलब फैल रहा है ऑनलाइन के माध्यम से ही, तो ये आपका नकारात्मक हो सकता है। शिक्षा महंगी हो गई है, इस तरह का अभी मतलब वर्तमान में स्थिति आ गई है। शिक्षा क्या है, ऑनलाइन तो हो गया तो सुविधा तो हो गई है, लेकिन साथ ही साथ शिक्षा महंगी भी हो गई है। शिक्षा कुछ मतलब हद तक देखा जाए तो बुरी शिक्षा भी हो गई है, क्योंकि बहुत सारे मतलब यूट्यूब पे या फिर जो भी है ऐसे फालतू वीडियो आ जा रहे हैं जो मतलब अच्छे मतलब ढंग से नहीं होते हैं, तो ये सब भी शिक्षा का क्या हो सकता है, नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। अब हम लोग का पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन एवं शिक्षा, यानी कि सोशल चेंजेज एंड एजुकेशन। इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य समाज में होने वाले परिवर्तनों से है, जो समाज की विभिन्न मान्यता तथा व्यक्तियों के मध्य परस्पर संबंध एवं उनके द्वारा स्वीकृत व्यवहार करने की विधियां तथा नियमों में बदलाव से है। कोई भी समाज परिवर्तन से नहीं बच सकता।
यानी कि सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य क्या है, समाज में होने वाले परिवर्तन से है। यानी कि सामाजिक परिवर्तन करने का मतलब क्या होगा, समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको होना चाहिए जो समाज की विभिन्न मान्यता तथा व्यक्तियों के मध्य परस्पर संबंधों एवं उनके द्वारा स्वीकृत व्यवहार करने की विधि तथा नियमों में बदलाव से है। कोई भी समाज परिवर्तन से बच नहीं सकता, यानी कोई भी समाज हो वहाँ पर परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, वो परिवर्तन से बच नहीं सकता है। आगे देखते हैं हम लोग, समाज की परिवर्तन एक नई दिशा को उजागर करती है। क्या करती है, समाज की परिवर्तन एक नई दिशा को उजागर करती है। मनुष्य की भाषा, विचार, आवश्यकताएं, जीवन, उद्देश्य, मूल्य, संस्कृति किसी न किसी रूप से बदलती रहती है। यानी कि समाज में क्या होता है, आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएगा, या भाषा के रूप में हो सकता है, विचार के रूप में हो सकता है, आवश्यकता के अनुसार हो सकता है, जीवन जीने का अधिकार हो सकता है, या फिर जीवन जीने के जो मूल्य होते हैं उसके अनुसार हो सकता है, संस्कृति के हिसाब से हो सकता है। यानी किसी न किसी रूप में आपको क्या मिल जाएगा, आपको समाज में परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार समाज के पहले की स्थिति और आज की स्थिति में आने वाला जो अंतर है या जो बदलाव आपको देखने को मिल रहा है, यही क्या कहलाता है, आपका सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं, यानी कि सामाजिक परिवर्तन क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है, खुले समाज में परिवर्तन की गति कैसी होती है, तीव्र होती है। खुले समाज में क्या होती है, परिवर्तन की गति तीव्र होती है, यानी कि तेजी से होती है परिवर्तन वहाँ पे। जबकि बंद या स्थिर समाज में क्या होता है, परिवर्तन की गति मंद होती है, यानी कि धीरे धीरे होती है। सामाजिक संगठन में होने वाले परिवर्तन समाज की सुचारू कार्य में मदद करती है। सामाजिक संगठन में होने वाले परिवर्तन क्या होता है, समाज की सुचारू रूप में कार्य में क्या करती है, मदद करती है। सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप अस्थायी नहीं होता है। सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप कैसा नहीं होता है, अस्थायी नहीं होता है, समय के साथ कैसा होता है, उसमें बदलाव आपको देखने को मिलते रहता है। सामाजिक परिवर्तन अमूर्त होता है। सामाजिक परिवर्तन कैसा होता है, अमूर्त होता है। सामाजिक परिवर्तन अस्थायी न होकर गतिशील होती है। जो सामाजिक परिवर्तन है क्या होता है, अस्थायी नहीं होता है, क्या होता है, आपका गतिशील होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की क्या भूमिका है। जो हम लोग का सामाजिक परिवर्तन है उसमें शिक्षा की क्या भूमिका है, तो सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। देखते हैं हम लोग, मानव के द्वारा सभ्यता के विकास की प्रक्रिया में सामाजिक परिवर्तन शिक्षा के द्वारा ही संभव हुई है। यानी कि जो मानव के जो सभ्यता था उसमें जो विकास की प्रक्रिया थी उसमें क्या हो गया, जो सामाजिक परिवर्तन आया है उसमें क्या हो गया, शिक्षा का ही महत्वपूर्ण स्थान है, या फिर शिक्षा के द्वारा ही हुआ है। व्यक्ति अपने समाज की भाषा, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, मान्यताओं, विश्वासों आदि की जानकारी की शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होती है। यानी जो समाज में रहन सहन, खान पान जो है, या फिर आपका किसी का सांस्कृतिक हो गया, रीति रिवाज हो गया, मान्यता हो गया, ये सब किसके द्वारा मिला है हम लोग को, शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य का मानसिक विकास होता है। शिक्षा के द्वारा क्या होता है, मनुष्य का मानसिक विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, तथा वह अपने संबंध में समाज एवं संपूर्ण विश्व के संबंध में चिंतन करने योग्य बनता है। यानी कि शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य क्या होता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है, और साथ ही साथ समाज में कैसे व्यवहार करना है, किसी के साथ कैसा संबंध रखना है, ये सब क्या हो गया, आपको शिक्षा के द्वारा ही योग्य आप बन पाते हैं। शिक्षा के अभाव में कोई भी नागरिक अपने समाज की आवश्यकताओं, परिस्थितियों तथा समस्याओं को उचित ढंग से समझने में असफल रहता है। अगर किसी के इंसान के पास शिक्षा नहीं है तो समाज की समस्याओं को समझ नहीं सकता है, उसका सही से समाधान नहीं कर सकता है, तो क्या हो गया, वो असफल हो सकता है। तो शिक्षा काफ़ी जरूरी है। एक अशिक्षित व्यक्ति सामाजिक समस्याओं का समाधान उचित ढंग से नहीं कर सकता है। अगर कोई इंसान अशिक्षित है तो वो सामाजिक जो समस्याएं होती है उसका समाधान कैसे नहीं कर सकता है, अच्छे ढंग से नहीं कर सकता है। तो शिक्षा का होना काफ़ी जरूरी है, और शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक परिवर्तन आपको समाज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सामाजिक परिवर्तन में ही है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी आयोग, यानी कि डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी आयोग जो हुआ था 1964-66 में, उसमें क्या कहा गया है कि उचित शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जो राष्ट्रीय विकास में सहायक होते हैं। यानी कि उचित शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जो राष्ट्रीय विकास में सहायक होती है। शिक्षा ही सामाजिक विकास को प्रेरित करती है। यानी कि शिक्षा के माध्यम से ही हम लोग समाज में विकास कर सकते हैं, या फिर समाज में विकास देखने को मिलता है, तथा गतिशील बनाती है। यानी कि शिक्षा ही क्या करती है, समाज को गतिशील बनाती है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति न तो अपने कर्तव्य को ठीक ढंग से समझ पाता है और न ही अपने अधिकारों को। यानी किसी इंसान के पास या किसी भी समाज में अगर शिक्षा की कमी है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना कर्तव्य इंसान नहीं समझ पाता है और अपने अधिकारों को भी नहीं जान पाता है। आगे देखते हैं हम लोग, व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र की आर्थिक उन्नति, खुशहाली तथा समृद्धि लाने की इस दिशा में शिक्षा अत्यंत सार्थक भूमिका अदा करती है। यानी व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति का समाज में तथा राष्ट्र की जो उन्नति होती है, जो खुशहाली होती है तथा समृद्धि लाने की जो दिशा होती है, उसमें शिक्षा का क्या होता है, अत्यंत भूमिका होता है।
शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की अनुगामी है। शिक्षा क्या है? सामाजिक परिवर्तन की अनुगामी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसमें शिक्षक का क्या भूमिका है। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं? शिक्षा का क्या भूमिका है। अब हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक का भूमिका क्या है या फिर अध्यापक का भूमिका क्या है। तो इतिहास साक्षी है कि अध्यापकों ने सदैव ही वांछित सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यानी क्या है, इतिहास में हम लोग देखते आ रहे हैं कि अध्यापकों ने सदैव ही वांछित सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसलिए शिक्षकों को समाज के निर्माता अथवा सामाजिक अभियंता यानी कि सोशल इंजीनियर के नाम से जाना जाता है या फिर संबोधित किया जाता है। यानी कि अध्यापक के द्वारा ही समाज में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है और ये पुराने समय से ही चला आ रहा है। इसलिए शिक्षकों को क्या बोला गया है आपको? सामाजिक अभियंता यानी कि सोशल इंजीनियर बोला गया है या फिर इस नाम से हम लोग उसको संबोधित करते हैं। परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यानी कि जो वर्तमान समय है परिप्रेक्ष्य में आज के शिक्षक अपने सामाजिक दायित्वों को ठीक ढंग से पूरा करने में असमर्थ होते जा रहे हैं। जो अभी के वर्तमान टीचर हैं वो क्या हो गया है, सामाजिक दायित्वों को भूल रहे हैं और उसे पूरा करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। कक्षा में छात्रों के सम्मुख पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत कर पाने में असहाय हो गए हैं। कैसे हो गए अभी के शिक्षक, मतलब पाठ्य पुस्तक को प्रस्तुत करने में क्या हो गए, असहाय नजर आ रहे हैं अभी के वर्तमान जो शिक्षक हैं। यही कारण है कि आज समाज में शिक्षक अपना सम्मान को खोते जा रहे हैं। यदि इन सम्मान को पुनः स्थान पर लाना है तो उन्हें सामाजिक परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं को भली भांति समझकर अपना भरपूर योगदान देना होगा। यानी कि जो वर्तमान समय में जो शिक्षक का सम्मान धीरे धीरे खोता जा रहा है और उसे फिर से अगर शिक्षक को और वर्तमान समय में इज्जत सम्मान पाना है तो क्या करना होगा, अपनी सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या करना पड़ेगा, समझकर या फिर भली भांति अपना भरपूर योगदान देना होगा, तभी जाकर शिक्षक का समाज में अच्छा एक स्थान प्राप्त होगा। वैसे तो शिक्षक का स्थान हमेशा ऊँची ही होता है, लेकिन जो अभी के वर्तमान समय उसमें क्या हो गया, काफ़ी अपनी समस्याएं हो गई, शिक्षक को लोग वैल्यू कम दे रहे हैं, तो एक शिक्षक ही उसे ठीक कर सकते हैं। तो शिक्षक को इस पर ध्यान देना चाहिए और ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के इस दायित्व को कैसे पूरा करे, इस पर विचार कर उचित मार्ग खोजना होगा। यानी शिक्षक को शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के इस दायित्व को कैसे पूरा करे, इस पर क्या करना होगा, विचार करना होगा और इसका उचित मार्ग खोजना होगा। अंततः शिक्षक समाज में होने वाले परिवर्तन को एक उचित दिशा की ओर ले जा सकता है। शिक्षक क्या कर सकता है, जो समाज में होने वाला जो परिवर्तन है उसको एक उचित दिशा की ओर ले जा सकता है। यदि हमारे शिक्षकगण संकल्प ले तो देश में किसी भी प्रकार का सामाजिक परिवर्तन सरलता से लाया जा सकता है। हमारे देश में अगर सारे शिक्षक अगर एक संकल्प ले तो किसी भी प्रकार का जो सामाजिक परिवर्तन है क्या हो जाता है, आसानी से समाज में लाया जा सकता है और समाज का कल्याण किया जा सकता है। तो शिक्षक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है सामाजिक परिवर्तन में। तो हमेशा शिक्षक को हमेशा सत्य राह पे चलना चाहिए और हमेशा लोगों को अच्छे सलाह देना चाहिए ताकि समाज में क्या हो सके, अच्छा कल्याण हो सके, अच्छा विकास हो सके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, शिक्षा में गुणवत्ता, क्वालिटी इन एजुकेशन। क्या है हम लोग का पॉइंट, शिक्षा में गुणवत्ता, क्वालिटी इन एजुकेशन। शिक्षा में गुणवत्ता का तात्पर्य व्यक्ति एवं समाज, व्यक्ति एवं समाज की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायित्व होना है, उत्तरदायी होना है या फिर उत्तरदायित्व होना है। अपने प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार दिलाना है। यानी कि शिक्षा में गुणवत्ता का तात्पर्य क्या है, व्यक्ति एवं समाज की शिक्षा जो है या फिर संबंधी आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होना है, अपने प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्ति का अवसर दिलाना है। गुणवत्ता यह निर्धारित करती है कि बच्चे कितना और कितनी अच्छी तरह से अपने व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास हेतु सीख पाते हैं। यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या हो सकती है, वैसे मतलब बच्चों को शिक्षा देना है ताकि वो बच्चा क्या कर सके, खुद का विकास कर सके और सामाजिक विकास में भी सहायक साबित हो, तो वो शिक्षा कैसा कहलाएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है, शिक्षा की गुणवत्ता एक शिक्षा का वह मानक स्तर है। शिक्षा की गुणवत्ता क्या है, एक शिक्षा का वह मानक स्तर है जो भिन्न कारणों की क्रियाशील प्रक्रिया को प्रभावित करती है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया है। क्या है, एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया है। शिक्षा की गुणवत्ता एक मतलब एक रात में तो सुधार नहीं हो सकता है, धीरे धीरे उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं और धीरे धीरे सुधार कर सकते हैं। यह कभी नहीं कहा जा सकता है कि शिक्षा गुणवत्ता के अंतिम चरण में पहुँच गई है। यह कभी नहीं कहा जा सकता है कि शिक्षा क्या हो गया, अब सही हो गया है, ये कभी नहीं कहा जा सकता है। और इसमें सुधार न संभव है। यानी कि सुधार हमेशा शिक्षा में होना चाहिए और हो भी रहा है, तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। शिक्षा में हमेशा सुधार की जरूरत है ताकि आने वाले पीढ़ी को अच्छी शिक्षा मिल सके। आगे देखते हैं हम लोग, वर्तमान में शिक्षा की गुणवत्ता को देखते हुए प्राथमिक स्तर तक दी जाने वाली शिक्षा में भी एक बड़ी कमी देखने को मिलती है। वर्तमान में शिक्षा की गुणवत्ता को देखते हुए प्राथमिक स्तर तक दी जाने वाली शिक्षा में भी बड़ी कमी देखने को मिल रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु जहाँ विद्यालयों में कुछ सुविधाएं जैसे
पुस्तकालय, शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि TLM, अन्य चीज़ों का जरूरत होती है जो अपने प्राथमिक विद्यालय में देखने को नहीं मिलता है। इससे क्या हो रहा है, शिक्षा प्रभावित हो रही है। इसे देखते हुए विद्यालयों में संसाधनों का बहुत बड़ा अभाव है। क्या है कि विद्यालयों में संसाधनों का क्या है, अभाव है, जिसे टीचर बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं सही ढंग से। तो इसके लिए सरकार क्या है, जिम्मेदार है। तो सरकार को विद्यालयों में TLM का व्यवस्था कराना चाहिए और सही सुविधा बच्चों को उपलब्ध कराए ताकि बच्चे अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सके, जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के स्तर का क्या है, एक नकारात्मक पहलू है। ये सब क्या है, नकारात्मक पहलू है किसका, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का, क्योंकि विद्यालय में क्या अच्छी सुविधा नहीं है तो ताकि बच्चे पढ़ सके, तो ये सब नकारात्मक पहलू में आ सकता है। आगे है इसमें, अंततः इस विवेचना के संदर्भ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के स्तर का अर्थ है बच्चों द्वारा बौद्धिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक क्षेत्र की विभिन्न दक्षता को अर्जित करने से है। अंततः इस विवेचना के संदर्भ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्तर का अर्थ है बच्चों द्वारा बौद्धिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक क्षेत्र की विभिन्न दक्षता को अर्जित करने से है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है, शिक्षा में गुणवत्ता से संबंधित चुनौतियाँ, यानी कि शिक्षा में जो गुणवत्तापूर्ण है उसमें क्या क्या संबंधित चुनौतियाँ हो सकती है। तो पहला आपका है आधारभूत संरचना से संबंधित चुनौतियाँ। पहला क्या है, आधारभूत संरचना से संबंधित चुनौतियाँ। इसमें पहला आपका है विद्यालय भवन, दूसरा शौचालय का अभाव, पीने के पानी का अभाव, यानी कि अगर विद्यालय में अच्छा भवन नहीं है, शौचालय का अभाव है, पीने के पानी का अभाव है, तो क्या होगा, वहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये सब मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो बच्चों को प्राप्त होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका है शिक्षकों की अनुपलब्धता, यानी कि शिक्षकों की कमी, शिक्षकों की अनुपलब्धता, यानी कि शिक्षक स्कूल में प्रेजेंट है, क्लास में नहीं जा रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया, ये सब बच्चों को शिक्षा में क्या कर सकती है, पीछे कर सकती है, उसको बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल सकती है। बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक की अरुचि, यानी कि शिक्षकों को क्या हो गया, क्लास में तो जाते हैं लेकिन पुस्तक को नहीं खोल के पढ़ाते हैं, यानी कि वो बस अपने मन से आए कुछ भी पढ़ा दिए, तो ये सब क्या हो सकता है, बच्चा को शिक्षा अच्छे ढंग से नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट आपका भाषा, यानी कि शिक्षक को भाषा वैसे रखनी चाहिए जो बच्चों को समझ में आ सके, तभी जाकर क्या हो सकता है, शिक्षा में गुणवत्ता आ सकती है। शिक्षक छात्र अनुपात में कमी, यानी शिक्षक छात्र क्या अनुपात में भी कमी देखने को मिलता है, और गुणवत्ता की कमी, यानी कि शिक्षक कैसा है, ट्रेंड नहीं है तो वो बच्चों को सही ढंग से नहीं पढ़ा सकते हैं, तो ये सब भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चों को शिक्षा में क्या हो सके, अच्छे मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। तो ये सब सरकार का काम है, सरकार ध्यान दे इस पर ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और देश का नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सार्वजनिक शिक्षा बनाम निजी शिक्षा, यानी कि कहने का मतलब हुआ सार्वजनिक शिक्षा यानी कि पब्लिक एजुकेशन। सार्वजनिक शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है, सार्वजनिक शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जहाँ सभी वर्गों के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, यानी जो सार्वजनिक शिक्षा होती है, जो पब्लिक एजुकेशन होता है, उसमें क्या होता है, सभी वर्गों के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाती है और जिसका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। क्या होता है, जो पब्लिक एजुकेशन होता है उसका संचालन कौन करता है, सरकार करता है। यह शिक्षा बच्चों को निःशुल्क रूप से प्रायोजित की जाती है, बच्चों को कैसे दी जाती है, फ्री रूप में यानी मुफ्त में दी जाती है, इसमें किसी निजी व्यक्ति का कोई सहभागिता नहीं होता है। जो पब्लिक एजुकेशन होता है उसमें क्या होता है, किसी भी निजी व्यक्ति का कोई सहभागिता नहीं होता है, सारा इसका देखरेख कौन करता है, सरकार करता है। जैसे एग्जाम्पल रूप में देख रहे, जो सरकारी विद्यालय होते हैं उसमें क्या होता है, सभी शिक्षक क्या होते हैं, सरकारी होते हैं, सारा जो कार्य क्रियाकलाप होता है कॉलेज स्कूल में वो क्या होता है, सारे मतलब सरकार के द्वारा ही होता है। जो भी मिड डे मील होता है, बच्चों को पोशाक जो भी वितरण होता है, बुक का वितरण होता है, या फिर जो भी गतिविधियाँ कार्यक्रम जो विद्यालय में होता है, किसी भी डे को सेलिब्रेट करना होता है, ये सब कौन करता है, सारे सरकार के द्वारा होता है, और वो सब क्या होता है, पब्लिक एजुकेशन कहलाता है, आपको सार्वजनिक शिक्षा कहलाता है। अब हम देखते हैं आगे निजी शिक्षा यानी कि प्राइवेट एजुकेशन। तो निजी शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जहाँ सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा दी जाती है परंतु संचालन सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है। जो पब्लिक एजुकेशन नहीं, प्राइवेट एजुकेशन जो होता है आपका, यानी कि जो निजी शिक्षा होता है, क्या होता है, उसका संचालन कौन करता है, प्राइवेट व्यक्ति करता है। वहाँ पे शिक्षा तो सभी को मिल सकता है लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मालिक होता है, वहाँ पे कोई सरकार मालिक नहीं होता है, उसका संचालन कौन करता है, एक प्राइवेट व्यक्ति करता है। उसके योज में क्या लेता है, वहाँ पे पैसा लिया जाता है, लेकिन जो आपका पब्लिक एजुकेशन में वहाँ पे पैसा नहीं लिया जाता है, वहाँ पे फ्री में मुफ्त में शिक्षा दी जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट एजुकेशन में क्या होता है, आपको पैसा देना होता है और यहाँ पे मालिक एक होता है और बाकी लोग क्या होते हैं, उसके अंदर में कार्य करते हैं ताकि विद्यालय में पढ़ाई अच्छे से हो सके, किंतु इसका संचालन निजी या व्यवसायिक व्यक्ति द्वारा होता है। इसमें किसी भी प्रकार की सरकार की सहभागिता नहीं होती है, यानी क्या होता है, निजी शिक्षा में किसी भी प्रकार की कोई भी सहभागिता सरकार का नहीं होता है, एक प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, उसके विवेचन में क्या लिया जाता है, आपको पैसा लिया जाता है और शिक्षा तो दिया ही जाता है,
तो ये क्या हो गया आपका, पहला वाला आपका पब्लिक हो गया, पब्लिक एजुकेशन, और अभी वाला क्या हो गया ये आपका दूसरा प्राइवेट एजुकेशन। तो दोनों के बीच में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं कि निजी शिक्षा और क्या बोलते हैं उसको, पब्लिक शिक्षा, यानी कि दोनों के बीच में क्या अंतर है, यानी कि निजी शिक्षा में और सरकारी शिक्षा में क्या अंतर है, या फिर फ्री के जो मुफ्त की शिक्षा दी जाती है बच्चों को उससे में क्या आपको देखने को अंतर मिलता है। तो आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि सार्वजनिक शिक्षा और निजी शिक्षा में क्या अंतर आते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा। आपको आगे देखते हैं हम लोग, शिक्षा का निजीकरण, जो शिक्षा का निजीकरण हो रहा है उसका क्या फायदे हो सकते हैं या फिर क्या नुकसान हो सकते हैं। तो शिक्षा का निजीकरण का तात्पर्य उनकी शैक्षिक क्रियाओं अथवा उद्यमों जिन्हें पूर्ण रूप में सरकार द्वारा संचालित या प्रतिबंधित किया जाता है। शिक्षा का निजीकरण का तात्पर्य उनकी शैक्षिक क्रियाओं अथवा उद्यमों जिन्हें पूर्ण में सरकार द्वारा संचालित या प्रतिबंधित किया जाता है, लेकिन वर्तमान में किसी निजी उद्यमी अथवा संस्था के संचालन एवं प्रबंध हेतु हस्तांतरित करने की प्रक्रिया से है। यानी जो शिक्षा का निजीकरण हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, पहले तो सरकार चलाती थी लेकिन अब किसी प्राइवेट इंसान को मिल जा रहा है और उसका संचालन कौन कर रहा है, प्राइवेट व्यक्ति कर रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, कम पैसों पर मतलब वर्कर को खटाया जा रहा है या फिर काम में लाया जा रहा है और धीरे धीरे सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा में निजीकरण के लाभ, यानी कि शिक्षा में निजीकरण के लाभ क्या क्या हो रहा है, तो आपका पहला है शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, वित्तीय समस्याओं का समाधान हो रहा है, शिक्षकों की योग्यताओं का समुचित प्रयोग हो रहा है, बेरोजगारी दूर हो रहा है, और लास्ट का क्या पॉइंट है, भ्रष्टाचार पर समाप्त करना। यानी शिक्षा में निजीकरण का लाभ क्या हो सकता है, भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है शिक्षा में निजीकरण से हानियाँ, शिक्षा में निजीकरण से क्या क्या हानियाँ हो रही है। तो पहला आपका शिक्षा अधिक महंगी हो गई है, अकुशल शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, शिक्षकों के शोषण की अधिक संभावना। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है अभिवंचित एवं उपेक्षित वर्ग के लिए शिक्षा, अभिवंचित एवं उपेक्षित वर्ग के लिए शिक्षा। तो अभिवंचित एवं उपेक्षित वर्ग के लिए शिक्षा से यह आशय है कि वैसे वर्ग जिन्हें शिक्षा की उपलब्धि से वंचित रखा गया है, कैसे वर्ग जिन्हें शिक्षा की उपलब्धि से अभी भी वंचित रखा गया है, ऐसे वर्ग के लोगों को शिक्षा की सामान्य मुख्य धारा से वंचित रखा जाता है। यह एक सोचने वाले गहन विषय है कि ये लोग समाज की कुरीतियों का शिकार होकर वंचना से ग्रसित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, वंचना से ग्रसित हो जाते हैं, ऐसे लोग शिक्षा के मौलिक अधिकारों से पिछड़े रहते हैं। यानी कि जो समाज में वैसे लोग जो वंचित है शिक्षा से अभी भी, उन्हें मौका नहीं मिल पाता है तो आगे नहीं आ पाते हैं और अपने मौलिक अधिकार से क्या होते हैं, हमेशा पिछड़ जाते हैं। अभिवंचित वर्ग के लिए शिक्षा बहुत मायने रखती है क्योंकि शिक्षा ग्रहण का अधिकार हर वर्ग के व्यक्ति को है। यानी कि अभिवंचित वर्ग के लिए शिक्षा बहुत मायने रखती है क्योंकि शिक्षा ग्रहण करके ही वो अपनी क्या कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं या फिर अच्छी मतलब शिक्षा ग्रहण करके ही वो आगे बढ़ सकते हैं, समाज में अपना दायित्व को दिखा सकते हैं, अपने मतलब पावर को भी दिखा सकते हैं कि हम ये चीज़ भी कर सकते हैं अगर उन्हें मौका मिले तो। तो क्या हो सकता है कि अगर उन वर्गों के लिए शिक्षा उचित स्थान, शिक्षा प्रदान की जाए तो सामाजिक परिवर्तन में अधिक अहम भूमिका अदा करती है। अगर ऐसे भी वर्गों को शिक्षा मिले और वो शिक्षा में अच्छा करे तो क्या हो सकता है, सामाजिक परिवर्तन में आपको अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। तो अभिवांछित वर्गों के लिए भी शिक्षा काफ़ी ज़रूरी है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि वैसे वर्ग भी आगे आ सके जो अभी भी शिक्षा से काफ़ी पिछड़े हुए हैं, तो उन्हें भी मौका मिले ताकि वो लोग भी अपना आकर अपना प्रदर्शन दिखा सके कि हम भी सारे कामों को अच्छे से कर सकते हैं, बस हमें मौका एक मिलने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है समान विद्यालय पद्धति, यानी कि कॉमन स्कूल सिस्टम। समान विद्यालय व्यवस्था का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जहाँ बच्चे चाहे वह किसी भी जाति, प्रजाति, धर्म, लिंग या वर्ग के हो, एक साथ समान विद्यालय प्रबंधन पद्धति के द्वारा शिक्षा का विकास कर उचित मुख्यधारा से जोड़ना है। यानी कि जो कॉमन स्कूल सिस्टम है उसमें क्या होता है कि जहाँ बच्चे चाहे वह किसी भी जाति के हो, प्रजाति के हो, धर्म के हो, लिंग के हो या वर्ग के हो, सबको एक साथ शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। कॉमन स्कूल सिस्टम कहने का मतलब यह कॉमन स्कूल सिस्टम यानी कि एक ही विद्यालय में सभी वर्गों को, सभी जातियों को, सभी धर्मों के लोगों को एक साथ पढ़ाया जाए और सभी को विकास के मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी वर्ग छूट ना जाए, सभी को एक ही जगह शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है कॉमन स्कूल सिस्टम में। बच्चों को समान भाव से बिना किसी विभेद से उनके मौलिक अधिकार जो शिक्षा से जुड़े हैं उनको प्राप्त करवाने से है। यानी जो कॉमन स्कूल सिस्टम है उसका क्या मकसद है, बच्चों को समान भाव से बिना किसी विभेद के उनके मौलिक अधिकार का शिक्षा से जोड़ना है, उनको प्राप्त करने का अवसर देना है। समान विद्यालय व्यवस्था क्या है पॉइंट आपका, समान विद्यालय व्यवस्था ऐसे विद्यालयों की अवधारणा है जो योग्यता के आधार पर ही शिक्षा हासिल करना सिखाती है। इसमें न तो धन आड़े आता है और न ही शोहरत, बिना किसी जाति, धर्म, लिंग या फिर किसी भेदभाव के समान रूप से बच्चों को उचित एवं समग्र शिक्षा देना कॉमन स्कूल सिस्टम का उद्देश्य है। यानी कि जो कॉमन स्कूल सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है,
बच्चों को बिना भेदभाव के सभी जाति धर्म लोगों को एक समान कॉमन स्कूल सिस्टम के अंतर्गत शिक्षा देने का प्रयास किया जाए, उन्हें किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, उसके यूनिट 3 को देखेंगे, यानी कि इकाई 3 को हम लोग पूरे अच्छे से देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। शिक्षा के राजनैतिक एवं संवैधानिक संदर्भ, जो हम लोग का पेपर S1 है, समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, उसकी इकाई 3, यानी कि शिक्षा के राजनैतिक एवं संवैधानिक संदर्भ को हम लोग इस वीडियो में पूरे अच्छे से देखेंगे। पूरे पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट अभी उसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें और वीडियो को पूरे अंतिम तक देखें ताकि वीडियो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए चलते अपने पहले पॉइंट्स के ऊपर। पहला पॉइंट्स हम लोग का है राज्य, यानी कि राज्य क्या होता है। तो राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन के अधीन हो। राज्य किसे कहते हैं? तो राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन के अधीन हो। राज्य संप्रभुता संपन्न हो सकते हैं, जैसे भारत के प्रदेशों को भी राज्य कहते हैं। यानी कि राज्य किसे कहते हैं? तो राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जिसका क्या हो, किसी एक शासन का क्या हो, अधीन हो। राज्य का क्या हो, संप्रभुता संपन्न हो। जैसे कि भारत के प्रदेशों को क्या राज्य हम लोग बोल सकते हैं या फिर बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं राज्य के तत्व। आगे क्या है पॉइंट्स राज्य के तत्व? तो पहला है जनसंख्या, दूसरा आपका है क्षेत्र, तीसरा आपका है सरकार, और चौथा क्या है आपका, प्रभुसत्ता या संप्रभुता। यानी कि राज्य होने के जो चार तत्व है कौन कौन से है? पहला जनसंख्या, दूसरा आपका क्षेत्र, तीसरा क्या है सरकार, और चौथा क्या आपका है, संप्रभुता या प्रभुसत्ता। संप्रभुता क्या होता है? तो किसी भौगोलिक क्षेत्र या जनसंख्या या जनसमूह पर संपूर्ण नियंत्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, संप्रभुता बोलते हैं। तो राज्य होने के चार तत्व होते हैं, तो पहला आपका जनसंख्या है, दूसरा आपका क्षेत्र है, तीसरा आपका सरकार है, चौथा क्या आपका है, प्रभुसत्ता या संप्रभुता। तो कोई पूछ सकता है कि संप्रभुता क्या होता है, तो आप आसानी से बोल दीजिएगा कि किसी भौगोलिक क्षेत्र या जनसमूह पर संपूर्ण नियंत्रण को संप्रभुता कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, या फिर संविधान में किस अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है और संविधान में किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो आइए देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे आदर्श हैं जो राज्य को जनता की भलाई के लिए तथा देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए राज्य को काम करने की दृष्टि से प्रेरणा देते हैं। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? वे आदर्श हैं जो राज्य को जनता की भलाई के लिए तथा देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए या फिर राज्य को काम करने की दृष्टि से जो प्रेरणा देते हैं वो क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ ऐसे सिद्धांतों से है जिन्हें राज्य अपने नीतियों तथा कानूनों को बनाते समय ध्यान में रखे। यानी कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत, उसका अर्थ क्या है, ऐसे सिद्धांत से है जिन्हें राज्य अपने नीतियों तथा कानूनों को बनाते समय क्या करे, समय पर इसका ध्यान अच्छे से रखे। आगे देखते हैं हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जनता के कल्याण को बढ़ावा देने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसका उद्देश्य क्या है, जनता के कल्याण को बढ़ावा देना और सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है संविधान में अनुच्छेद 37 से 51, कितने तक, 37 से 51 नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। जो हम लोग का संविधान है उसमें आर्टिकल 37 से लेकर 51 के बीच में क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का उसमें वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग का पहला क्या है। पहला आपका है आर्थिक न्याय उपलब्ध करने वाले निर्देशक तत्व। यानी कि आर्थिक न्याय उपलब्ध करने वाले कौन कौन से निर्देशक तत्व हैं, तो आपका पहला इसमें है सब टॉपिक पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन मात्र करने का अधिकार है। यानी पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का अधिकार है। दूसरा आपका पॉइंट है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार विभाजित हो जिससे सर्वोत्तम सामूहिक हित हो। यानी कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार विभाजित हो जिससे सर्वोत्तम सामूहिक हित में हो। नेक्स्ट पॉइंट आपका है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार गतिशील हो जिससे धन और उत्पादन के साधनों का जनसाधारण हितकारी हो। यानी कि जो आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से गतिशील हो जिससे धन और उत्पादन के क्या हो, साधन जो क्या हो, साधारण हो या फिर हितकारी हो। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य हेतु समान वेतन की प्राप्ति हो। पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य हेतु समान वेतन का क्या हो, प्राप्ति हो।
नेक्स्ट पॉइंट आपका है, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास को पूर्ण रूप से प्रभावी करे। राज्य क्या करे? अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास को पूर्ण रूप से प्रभावी करे। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है, बालकों को स्वतंत्र और गतिमान्य वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाती है। बालकों को स्वतंत्र और गतिमान्य वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाती है। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, सामाजिक न्याय। दूसरा क्या है, सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने वाले नीति निर्देशक तत्वों। तो इसमें पहला है एक पॉइंट कि राज्य समाज को अनेक वर्गों के बीच प्रतिष्ठा, अवसरों तथा सुविधाओं की असमानता को खत्म करने का प्रयास करता है। राज्य क्या करता है, अनेक वर्गों के बीच जो प्रतिष्ठा, अवसर तथा सुविधाओं की जो असमानता है उसे खत्म करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। क्या टॉपिक है हम लोग का? लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन है, यानी कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, जनता का शासन। लोकतंत्र अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र जो शब्द है वो अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है, यानी कि डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद क्या होता है, लोकतंत्र। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों, डेमोक्रेसी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। आपका पहला कौन सा है, डेमोस, और दूसरा कौन सा आपका, क्रेटोस या क्रेसिडिया, क्रेसिया। क्या है आपका पहला शब्द, डेमोस, और दूसरा क्या है, क्रेटोस या क्रेसिया से बना है। कौन सा शब्द, लोकतंत्र, यानी कि डेमोक्रेसी कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला आपका डेमोस है और दूसरा कौन सा आपका है, क्रेटोस या क्रेसिया। आगे देखते हैं हम लोग, डेमो का अर्थ क्या होता है, जनता। डेमो का अर्थ क्या होता है, डेमो का अर्थ होता है जनता, और क्रेटोस या क्रेसिया का अर्थ होता है शक्ति यानी कि पावर। इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है, जनता की शक्ति, यानी कि लोकतंत्र में जो लोकतंत्र का जो डेमोक्रेसी जो वर्ड है, ग्रीक वर्ड, उसका अर्थ क्या होता है, जनता की शक्ति। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र शासन का वह रूप है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति किसी वर्ग विशेष अथवा वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। जो लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें क्या होता है, राज्य की जो शासन शक्ति होती है किसी वर्ग विशेष में क्या होती है, निहित नहीं होती है, वो क्या होती है, संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। यानी कि वो कार्य किसी स्पेशल या फिर किसी एक इंसान के लिए काम नहीं करती है लोकतंत्र में, वो क्या करती है, पूरे समाज के सदस्यों के लिए कार्य करती है। आगे देखते हैं हम लोग, लोकतंत्र शासन का वह रूप है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा होता है। ये कथन कौन बोला है, तो ये आपके अब्राहम लिंकन साहब ने ये कथन बोले हैं कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है, लोकतंत्र के मूल सिद्धांत, यानी कि लोकतंत्र के कौन कौन से सिद्धांत है, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपका पहला है स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम, दूसरा आपका है समानता यानी कि इक्वलिटी, तीसरा आपका है भ्रातृत्व यानी कि फ्रेटर्निटी, और आपका लास्ट क्या है, न्याय यानी कि जस्टिस। तो ये क्या है आपके लोकतंत्र के मूल सिद्धांत है। कितने सिद्धांत है, चार सिद्धांत है, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, लोकतंत्र में शिक्षा। लोकतंत्र में शिक्षा यानी कि एजुकेशन इन डेमोक्रेसी। तो जॉन डीवी के अनुसार, जॉन डीवी जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बोला है, लोकतंत्र में इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिससे व्यक्तियों को सामाजिक संबंध और नियंत्रण में व्यक्तिगत रुचि उत्पन्न हो। यानी कि लोकतंत्र में इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिससे व्यक्तियों को सामाजिक संबंध और नियंत्रण में व्यक्तिगत रुचि उत्पन्न हो और उनमें ऐसी मानसिक आदतों का निर्माण हो जिनसे अव्यवस्था उत्पन्न हुए बिना सामाजिक परिवर्तन का होना संभव हो। यानी कि जॉन डीवी ने बोले हैं कि लोकतंत्र में इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिससे व्यक्तियों को सामाजिक संबंध और नियंत्रण में क्या हो, व्यक्तिगत रुचि उत्पन्न हो और उनमें ऐसी मानसिक आदतों का निर्माण हो जिनसे अव्यवस्था उत्पन्न हुए बिना सामाजिक परिवर्तन का होना संभव हो। आगे इसमें है, लोकतंत्र में शिक्षा का मुख्य लक्ष्य सभी लोगों का कल्याण हो। जो लोकतंत्र में शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, सभी लोगों का कल्याण होना चाहिए। लोकतंत्र में शिक्षा व्यवहार में मूलभूत स्वतंत्रताओं का आदर करती है। लोकतंत्र में शिक्षा क्या करती है, व्यवहार में मूलभूत स्वतंत्रताओं का आदर करती है। नेक्स्ट आपका है,
शिक्षा के द्वारा लोगों को जागरूक एवं लोकतंत्र को प्रबुद्ध एवं संपन्न बना सकते हैं। शिक्षा के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लोकतंत्र को प्रबुद्ध एवं संपन्न बना सकते हैं। लोकतंत्र में शिक्षा लोगों की बुद्धि का प्रयोग करती है, लोकतंत्र में शिक्षा क्या करती है, लोगों की बुद्धि का प्रयोग करती है, साथ ही यह उनको मुक्ति प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, मुक्ति प्रदान करती है। लोकतंत्र शिक्षा अनुभव के माध्यम से शिक्षण प्रदान करती है। जो लोकतंत्र की शिक्षा है वो क्या करती है, अनुभव के माध्यम से शिक्षण प्रदान करती है। आगे हम लोग का टॉपिक है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से देखें। शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना क्या है, सार्वभौमिकरण कहलाता है। शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना या होना सार्वभौमिकरण कहलाता है। यानी कि जो समाज में वैसे स्तर यानी कि जो निचले स्तर तक के लोग हैं उनको क्या करें, अनिवार्य रूप से या फिर निःशुल्क रूप से क्या मिले, शिक्षा मिले। यही उद्देश्य किसका है, सार्वभौमिकरण का मुख्य उद्देश्य यही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यूनिवर्सलाइजेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड में किया गया था। कहाँ किया गया था, इंग्लैंड में किया गया था। कौन से शब्द का, यूनिवर्सलाइजेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, इंग्लैंड में किया गया था। वहाँ प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने का उद्देश्य शिक्षा को देश के एक निश्चित आयु के सभी बच्चों को सुलभ कराना था। वहाँ पे इसका क्या उद्देश्य था कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाए एवं निःशुल्क करने का प्रयास किया जाए, ताकि देश के वैसे लोग शिक्षा मिल सके जो अभी तक शिक्षा से वंचित है। इसी के लिए उन्होंने यूनिवर्सलाइजेशन अर्थात सार्वभौमिकरण शब्द का प्रयोग किया, और इन्हीं शब्दों के लिए उन्होंने कौन सा वर्ड का प्रयोग किया, यूनिवर्सलाइजेशन यानी कि सार्वभौमिकरण शब्द का प्रयोग किया। आगे हम देखते हैं शिक्षा के सार्वभौमिकरण की संकल्पना यानी कि कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के सार्वभौमिकरण की संकल्पना क्या है, तो इसमें एक मनोवैज्ञानिक की बात हम लोग देखते हैं, जेपी नायक के अनुसार क्या लिखा गया है, जेपी नायक ने क्या बोले हैं। तो शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बनाने तथा इसे राष्ट्रीय विकास से संबंध करने की आवश्यकता है। शिक्षा को क्या करना है, शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बनाने तथा इसे राष्ट्रीय विकास से संबंध करने की आवश्यकता है। शिक्षा को भारत के जनसाधारण के उस वर्ग की ओर उन्मुख करना है जो गरीबी रेखा से बीच नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। यानी कि शिक्षा को क्या करना है, भारत के वैसे लोगों तक पहुंचाना है जो अभी तक क्या है, गरीबी रेखा से क्या है, नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ताकि उनमें आत्म चेतना जागृत हो सके और उनकी उत्पादन या फिर उत्पादक क्षमताएँ क्या हो, स्फुटित होकर उन्हें राष्ट्र निर्माण के कार्यों में प्रभावी रूप से सहभागी बनने योग्य बनाया जा सके। यानी कि वैसे लोग शिक्षा मिले जो अभी तक शिक्षा से क्या है, वंचित है, ताकि वो शिक्षा ग्रहण करके अपने देश के काम आ सके, अपने देश के लिए कुछ अच्छा काम कर सके। तो वैसे इंसानों के लिए क्या, शिक्षा का होना काफ़ी जरूरी है, तो उनके लिए क्या किया गया, सार्वभौमिकरण का कंसेप्ट लाया गया, ताकि वैसे लोग भी शिक्षा से जुड़ सके जो अभी तक शिक्षा से क्या है, वंचित है। आगे हम लोग देखते हैं इस सार्वभौमिकता में निम्नलिखित तीन समस्याएं हैं, यानी कि जो सार्वभौमिकरण है या जो सार्वभौमिकता है आपका, उसमें तीन समस्याएं हैं। तो पहला समस्या क्या है, सुविधाओं की सार्वभौमिकता का अभाव। प्राथमिक विद्यालयों की दूरी 1 किलोमीटर से कम नहीं, यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, लेकिन वैसे अभी स्थिति अपने समाज में नहीं है, विद्यालयों की दूरी क्या है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो ये क्या है, सार्वभौमिकरण के मापदंड में क्या है, ये गलत है। तो ये क्या आपका, ये क्या बच्चों के लिए समस्या है, अंततः छात्रों को पैदल जाना पड़ता है, यानी कि ये क्या है, बच्चों को, छोटे बच्चों को मतलब विद्यालय 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, ताकि वो बच्चे आसानी से विद्यालय पहुंच सके और शिक्षा को ग्रहण कर सके। लेकिन अभी बच्चे का क्या है, काफ़ी दूर पैदल जाना पड़ता है ताकि विद्यालय वो जा सके और शिक्षा को ग्रहण कर सके। तो ये क्या है, एक समस्या है, और ये समस्या काफ़ी मतलब इसे दूर करने का सरकार द्वारा प्रयास करना चाहिए, और शायद सरकार इस पर कार्य कर भी रही है, धीरे धीरे इसमें सुधार होने का ज़्यादा संभावना है। आगे हम देखते हैं नामांकन की सार्वभौमिकता का अभाव, क्या है दूसरा पॉइंट हम लोग का, नामांकन की सार्वभौमिकता का अभाव। इस समस्या के अंतर्गत बहुत से छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनका विद्यालय में 6 वर्ष की अवस्था में प्रवेश होता है, कहीं कहीं पहली कक्षा के प्रवेश के समय छात्र की आयु 10 से 11 वर्ष भी होती है। यानी कि जो नामांकन की सार्वभौमिकता का जो अभाव है, क्या है कि उसमें क्या होता है कि बच्चे का जो 6 वर्ष की जो आयु होती है, क्या होती है, वो प्रवेश होती है विद्यालय में, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, बच्चों का उम्र क्या होता है, 10 से 11 वर्ष होता है। तो ये गलत है,
तो ऐसे में शिक्षा का सुधार करना काफ़ी असंभव बात है, तो हम इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि बच्चे सही समय पर विद्यालय पहुंच सके और सही शिक्षा ग्रहण कर सके। क्योंकि ज़्यादा उम्र हो जाने के बाद वो शिक्षा तो ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उनकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी तो वो पढ़ने का उनके अंदर की क्या हो जाएगी, चेष्टा या फिर ललक खत्म हो जाएगी, फिर वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोग का भारतीय शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ा सकती है या फिर गड़बड़ हो सकती है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, शिक्षा को बीच में छोड़ने की सार्वभौमिकता, यानी कि जो शिक्षा है उसे बच्चे क्या करते हैं, एडमिशन विद्यालय में करा लिए और बीच में विद्यालय को छोड़ देते हैं। तो वैसे बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए क्या करना है, मना करना है, और ऐसे मतलब शिक्षा देनी, ऐसी शिक्षा देना है ताकि बच्चे विद्यालय से जुड़े रहें और विद्यालय प्रतिदिन आए और अच्छे से पढ़े। तो उसके लिए काम करने की जरूरत है कि शिक्षक अच्छे से विद्यालय में पढ़ाए और विद्यालय भी उस पर मतलब ध्यान रखे ताकि बच्चे विद्यालय न छोड़े, उनकी समस्याओं को हमेशा हल करने का प्रयास करें। तो इसमें लिखा गया है कि शिक्षा की यह समस्या पहली दो समस्याओं से जुड़ी हुई है। छात्रशाला में आकर कुछ समय के पश्चात विभिन्न कारणों से विद्यालय छोड़ देता है, इससे अपव्यय को बढ़ावा मिलता है। अपरिपक्व अवस्था में छात्रों को विद्यालय से हटाना, कैसी अवस्था, अपरिपक्व यानी कि इनमेच्योरिटी जो अवस्था होता है उसमें क्या होता है, बच्चों को विद्यालय से हटना शिक्षा के अपव्यय को बढ़ावा मिलता है, यानी कि उससे क्या होता है, शिक्षा के अपव्यय को बढ़ावा मिलता है। तो वैसे स्थिति में बच्चों को विद्यालय से जुड़े रखना है ताकि बच्चे विद्यालय प्रतिदिन आए, अच्छे शिक्षा ग्रहण करें। तो उसके लिए हमें कार्य करने की जरूरत है ताकि बच्चों की समस्याओं को हम समाधान कर सके और बच्चों को विद्यालय से हमेशा जुड़े रखें। आगे हम लोग देखते हैं शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य, यानी कि जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण का उद्देश्य क्या है, एम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो ज्ञानार्जन का उद्देश्य है, बौद्धिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य, शारीरिक विकास का उद्देश्य, नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, आपका छठा है सामाजिक कुशलता के विकास का उद्देश्य, सातवां आपका है व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य, आठवां क्या आपका है, जीविकोपार्जन का उद्देश्य। तो ये सब क्या है, आपके शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य है, यानी कि एम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। आगे देखते हैं नेक्स्ट, शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता, यानी कि शिक्षा के जो सार्वभौमिकरण उसकी आवश्यकता क्यों है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं आपका, तो पहला आपका पॉइंट है साक्षरता प्रसार के लिए आवश्यक है, दूसरा पॉइंट आपका है आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है, तीसरा पॉइंट आपका है स्व शिक्षा के लिए आवश्यक है, नेक्स्ट आपका है व्यक्ति व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, नेक्स्ट आपका है जनतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक है, राजनैतिक जागरूकता के लिए आवश्यक है, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की भावना में सहायक होता है, और आपका नेक्स्ट है आठवां सांप्रदायिकता के विनाश के लिए आवश्यक है, सांप्रदायिकता के विनाश के लिए भी आवश्यक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग भारतीय संविधान के संदर्भ में शिक्षा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का भारतीय संविधान के संदर्भ में शिक्षा। तो आपका इसमें पहला है बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, आर्टिकल 21A, बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 21A। यह अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के पूर्व बाल्यकाल की देखरेख एवं शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लिए उपबंध करेगा, यानी कि जो आर्टिकल 21A है उसमें क्या कहा गया है कि वैसे बच्चों जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के हैं उनको क्या किया जाए, मतलब उनको देखभाल किया जाए, उनको फ्री में शिक्षा दी जाए और हमेशा अच्छी शिक्षा उनको प्रदान किया जाए ताकि वो बच्चे भी पढ़ सके अच्छे से और ज्ञान अर्जन कर सके। आगे हम लोग का है दूसरा पॉइंट, इसमें कारखानों आदि में बच्चों को काम करने की मना, अनुच्छेद 24। आर्टिकल 24 में क्या है कि बच्चों को कारखानों में काम नहीं करने देना है छोटे बच्चों को। तो अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को फैक्ट्री या किसी जोखिम भरे पर काम नहीं लगाया जा सकता है, यानी कि जोखिम भरे स्थान पर काम पर नहीं लगाया जा सकता है। ये क्या है, कानूनन अपराध है और इसके लिए आपको दंडित भी किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत क्या लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको आप काम पे नहीं रख सकते हैं, या फिर किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी ऐसे जगह जहाँ पे उनकी जान मान के क्या है खतरा है। तो ये अगर कोई इंसान रखता है या फिर कोई फैक्ट्री अगर उस पर काम करवाता है तो क्या उनके लिए दंडनीय अपराध है और उनके कानून कार्रवाई भी उस पर हो सकती है। तो ये क्या है, सरासर गलत बात है, छोटे बच्चों को कार्य पर नहीं रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग भारतीय लोकतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य, जो भारतीय लोकतंत्र है उसमें शिक्षा का क्या उद्देश्य है। पहला पॉइंट इसमें है जनतांत्रिक मूल्यों का विकास, दूसरा पॉइंट आपका है व्यक्तित्व का विकास, तीसरा पॉइंट आपका है नेतृत्व के लिए शिक्षा, और चौथा पॉइंट क्या आपका है व्यवसायिक कुशलता का विकास। अब हम आगे जानते हैं, हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे राष्ट्रीय विकास और शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है,
राष्ट्रीय विकास और शिक्षा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा को एक राष्ट्रीय रूप देने का प्रयास किया गया, यानी कि आज़ादी के बाद जो भारत में जो शिक्षा थी उसे क्या हो गया, राष्ट्रीय रूप देने का प्रयास किया गया। शिक्षा व्यवस्था को देश की नई परिस्थितियों के अनुरूप बनाने के लिए तथा विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के विकास एवं विस्तार के प्रयास किए गए, यानी कि क्या हो गया, शिक्षा व्यवस्था को देश की नई परिस्थितियों के अनुरूप बनाने के लिए तथा विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के विकास के लिए क्या किया गया, उनका प्रसार किया गया, प्रचार किया गया। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का संकल्प लिया गया, क्या लिया गया कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है 1-5 की, बच्चों को क्या किया जाए, मुफ्त में दिया जाए और कंपलसरी रूप में दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा को बहुउद्देश्यीय बनाने पर विचार किया गया, जो माध्यमिक शिक्षा उसे क्या बनाने का विचार किया गया, बहुउद्देश्यीय बनाने पर विचार किया गया। तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश या फिर विश्वविद्यालय में शिक्षा के स्तर मुफ्त एवं सुधार करने का प्रयत्न किया गया, जो विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है उसे क्या किया गया, मुफ्त करने का प्रयास किया गया और सुधार करने का भी प्रयास या भी प्रयत्न किया गया। शिक्षा आयोग 1948-49, जो शिक्षा आयोग थी कब की, 1948-49 में। माध्यमिक शिक्षा आयोग कब बना, 1952-53 में। तथा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 का गठन किया गया। 1986 में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण हुआ। 1986 में क्या हो गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या हो गया, नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या क्या किया गया, निर्माण किया गया। आगे हम देखते हैं, आज देश के सामने अनेक समस्याएं हैं, आज क्या है अपने देश के सामने क्या अनेक समस्याएं हैं जिनका चुनौतीपूर्ण ढंग से सामना करना न केवल देश की अस्मिता के लिए वरन इसके अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। देश के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा प्रणाली के रूपांतर, शैक्षिक अवसरों विस्तार, शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए व्यापक प्रयास, विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा का विकास को गंभीर रूप से सार्थक करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, क्या है हम लोग का टॉपिक फंडामेंटल राइट्स। तो आपका पहला इसमें है समता या समानता का अधिकार, पहला क्या है आपका, समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14-18। दूसरा आपका पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19-22। तीसरा आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। नेक्स्ट आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नेक्स्ट क्या है आपका, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25-28। नेक्स्ट आपका है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। और आपका नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। कितना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, यानी कि आर्टिकल 32। अब हम लोग देखते हैं राइट टू एजुकेशन 2009, यानी कि जो आरटी 2009 है उसमें क्या लिखा गया है शिक्षा के बारे में या फिर क्या बोला गया है, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। देश में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लाया गया। देश में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया। कब लाया गया, 2009 में लाया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है यह क्या करता है, परिवार और समुदाय की सहायता से 6-14 वर्ष के जो सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने की गारंटी देता है। आगे देखते हैं हम लोग, यह अधिनियम मूलतः वर्ष 2005 के शिक्षा के अधिकार विधेयक का संशोधित रूप है। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने या उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। भारत की संसद ने 4 अगस्त 2009, कब, 4 अगस्त 2009 को इस एक्ट को पारित किया, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। यानी जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था वो कब पारित हुआ, संसद में 4 अगस्त 2009 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में क्या हो गया, लागू हो गया। ये आपके सीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इस एक्ट के इस परिवर्तन ने भारत को दुनिया के उन 135 देशों में से एक बना दिया जिनके पास शिक्षा का मौलिक अधिकार है। यानी कि ये इस एक्ट ने क्या कर दिया, भारत को दुनिया के 135 देशों में से एक देश ऐसा बना दिया जिनके पास क्या होना चाहिए, शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का महत्व क्या है। पहला पॉइंट इसमें है, इसमें 6-14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से प्रारंभिक से माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा देने पर जोर दिया गया। यानी कि इसमें क्या किया गया, 6-14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से प्रारंभिक रूप से शिक्षा देने का बात किया गया। किसी भी लोकतांत्रिक देश में शिक्षित नागरिकों का बड़ा महत्व होता है।
किसी भी लोकतांत्रिक देश में शिक्षित नागरिकों का बड़ा महत्व होता है। शिक्षा के आधार पर ही अनुसंधान और विकास को बल मिलता है, यानी कि शिक्षा के आधार पर ही अनुसंधान और विकास को बल मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, शिक्षा वर्तमान ही नहीं भविष्य के निर्माण की भी अनुपम साधन है। शिक्षा क्या है? वर्तमान ही नहीं भविष्य के निर्माण का भी क्या है? अनुपम साधन है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, शिक्षा के आधार ही मनुष्य को विश्व के अन्य प्राणियों से अलग कर उसे श्रेष्ठ एवं सामाजिक प्राणी के रूप में जीवन जीने का काबिल बनाती है। यानी कि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य क्या होता है? विश्व के अन्य प्राणियों से क्या होता है? अलग दिखाई देता है एवं जीवन जीने के काबिल बनता है शिक्षा के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, शिक्षा के इन्हीं महत्वों को देखते हुए भारत सरकार ने सबके लिए शिक्षा को अनिवार्य करने के उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित करने का निर्णय लिया था। यानी कि शिक्षा का क्या किया गया था? सभी को मिले, सभी को मुफ्त में पर्याप्त शिक्षा मिले, तो इसके लिए क्या किया गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इस अधिनियम का सर्वाधिक लाभ बाल मजदूर, श्रमिकों के बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या फिर ऐसे जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई अथवा अन्य कारणों से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, वैसे लोगों के क्या हो गया? फायदेमंद साबित मिला। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से हम यह आशा कर सकते हैं कि विद्यालय छोड़ने वाले बच्चे तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चे को भी अब प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। आगे हम देखते हैं जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम की कुछ कमियां थी, तो उन कमियों को भी हम जान लेते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो पहला कमी इसमें क्या था कि इस अधिनियम की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे और 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को बात नहीं की गई है। यानी कि जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम उसमें क्या हो गया है, 0 से 6 ईयर्स और 14 से 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं उस पर कोई भी बात नहीं किया गया है। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है, अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौते के अनुसार 18 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को बच्चा माना जाता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार के अंतर्गत 18 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उसे क्या माना जाता है? उसे बच्चा माना जाता है, जिसे भारत सहित 142 देशों ने क्या स्वीकृति प्रदान की है। फिर भी 14 से 18 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं शिक्षा की बात या फिर इस अधिनियम में नहीं किया गया है। यानी कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चे या फिर 0 से 6 वर्ष के बच्चे की कोई भी बात नहीं की गई है। आगे देखते हैं हम लोग भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित प्रावधान, भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित कुछ प्रावधान है उसे भी हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो सबसे पहला आपका पॉइंट इसमें है, शिक्षा समवर्ती सूची। 1976 के 42वें संविधान संशोधन में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया ताकि केंद्र और राज्य दोनों सरकार इस पर क्या कर सके, कानून बना सके। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, 0 से 6 वर्ष तक के शिशु की देखभाल एवं शिक्षा, 0 से 6 वर्ष तक के शिशु की देखभाल एवं शिक्षा 2001 के 93वें संविधान संशोधन में यह अनिवार्य रूप से जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 की 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के देखभाल, पोषण एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। संविधान के अनुच्छेद 45 में यह घोषणा की गई कि राज्य सरकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा की व्यवस्था करे, यह कानून बच्चों के मूल अधिकारों में भी निहित है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश का समान अधिकार, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश का समान अधिकार सभी को मिले। संविधान के अनुच्छेद 29(2) में यह स्पष्ट है कि राज्य केंद्र पोषित संस्थान में धर्म, मूल, वंश अथवा जाति के आधार पर किसी भी प्रकार से किसी को प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, स्त्री शिक्षा की विशेष व्यवस्था, स्त्री शिक्षा की विशेष व्यवस्था किया गया। अनुच्छेद 15(3) में यह व्यवस्था दी गई कि राज्य सरकार स्त्रियों की शिक्षा का विकास करने हेतु कोई पर भी कानून बना सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था, अल्पसंख्यकों की शिक्षा व्यवस्था हेतु संविधान के अनुच्छेद 30 में, किसमें? अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि धर्म या अभाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संसाधनों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, समाज के कमजोर वर्ग SC/ST के बच्चों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था, समाज के जो कमजोर वर्ग होते हैं SC/ST के बच्चों को भी शिक्षा की विशेष व्यवस्था मिलनी चाहिए। तो सर्वप्रथम संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया तथा अनुच्छेद 46 में यह व्यवस्था दी गई कि राज्य जनता के कमजोर वर्गों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों के
विशेष सावधानी से उन्नति के लिए प्रयास करेगा तथा अन्याय और शोषण के विरुद्ध उसका संरक्षण भी करेगा। यानी कि समाज के कमजोर वर्ग जो होते हैं SC ST के बच्चों को भी शिक्षा विशेष मिलनी चाहिए। तो संविधान क्या किया गया, सर्वप्रथम संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया तथा अनुच्छेद 46 में यह व्यवस्था दी गई कि राज्य जनता के कमजोर वर्गों की शिक्षा तथा और संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति के लिए प्रयास करेगी तथा अन्याय और शोषण के विरुद्ध उनका संरक्षण भी करेगी। आगे आपका पॉइंट है धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में स्पष्ट निर्देश। अनुच्छेद 28 में यह घोषणा की गई कि राज्य केंद्र निधि पोषित किसी भी संस्था या धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी अनुच्छेद 28 में क्या किया गया कि किसी भी राज्य या केंद्र निधि पोषित किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा अनुच्छेद 22 के तहत किसी भी बच्चे को किसी धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 22 के तहत किसी भी बच्चे को किसी धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका है राष्ट्रीय महत्व के उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्रों की व्यवस्था केंद्र द्वारा। संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 62 एवं 65 तक राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र पुस्तकालय संस्थान आदि की स्थापना एवं संचालन संबंधी पूर्ण निर्देशन उल्लेखित है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं की शिक्षा। राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं की शिक्षा संविधान के अनुच्छेद 344 के 1 में 22 भाषाओं को सूचीबद्ध करके राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। कितने को दिया गया है, 22 भाषाओं को राष्ट्रीय महत्व की दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय भाषा की दर्जा दिया गया है। तो इकाई S1 है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, उसके इकाई 4 शिक्षा और सामाजिक अपेक्षाएं को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। यानी कि जो इकाई 4 के सारे पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहे और वीडियो को ध्यान से देखें। तो आज का जो सबसे पहला पॉइंट्स हम लोग का पहला पॉइंट्स क्या है, शिक्षा यानी कि एजुकेशन क्या है। तो आइए जानते हैं हम लोग, सबसे पहले जानते हैं कि शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से बना है। जो शिक्षा शब्द है हम लोग का वो कैसे बना है, संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से बना है। शिक्ष का अर्थ क्या होता है, सीखना या सिखाना। जो शिक्ष धातु से बना है अप्रत्यय लगने से, उसमें का शिक्ष का अर्थ क्या होता है, सीखना और सिखाना। आगे देखते हैं हम लोग, शिक्षा शब्द का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की प्रक्रिया या क्रिया। जो शिक्षा शब्द है उसका अर्थ क्या हुआ, सीखने सिखाने की क्रिया या प्रक्रिया। शिक्षा ज्ञान उचित आचरण तकनीकी दक्षता विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा के माध्यम से हम लोग को ज्ञान मिलता है, आचरण सीखने को मिलता है, तकनीकी ज्ञान होती है, दक्षता होती है, विद्या की ज्ञान होती है। तो ये सब जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, शिक्षा कहते हैं। अब हम लोग आइए जानते हैं हम लोग जॉन डीवी के अनुसार, मनोवैज्ञानिक हैं जॉन डीवी, उनके अनुसार क्या कहा गया है, शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुँचाना है। शिक्षा का क्या कार्य है, असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है ताकि वह सुखी नैतिक एवं कुशल मानव बन सके। यानी शिक्षा का कार्य क्या है, असहाय व्यक्ति या प्राणी को क्या करना है, सहायता पहुंचाना है ताकि वह सुखी नैतिक या कुशल मानव बन सके। ये किन्होंने कहा है, जॉन डीवी के अनुसार इन्होंने कहा है, यानी जॉन डीवी ये बोले हैं। आगे हम देखते हैं डेनियल वेबस्टर के अनुसार, ये भी एक मनोवैज्ञानिक है डेनियल वेबस्टर, इन्होंने क्या कहा है शिक्षा के बारे में, शिक्षा का कार्य भावनाओं को अनुशासित, संवेगों को नियंत्रित, प्रेरणाओं को उत्तेजित, धार्मिक भावनाओं को विकसित तथा नैतिकता की अभिवृद्धि है। शिक्षा क्या है, शिक्षा का कार्य क्या है, भावनाओं को अनुशासित करना, संवेगों को नियंत्रित करना, प्रेरणाओं को उत्तेजित करना या फिर धार्मिक भावनाओं को विकसित करना तथा नैतिकता की अभिवृद्धि लाना, क्या है, शिक्षा कहलाता है। किन के अनुसार, ये डेनियल वेबस्टर के अनुसार है। आइए आगे देखते हैं हम लोग शिक्षा के और बारे में भी जानते हैं। शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपकरण है। शिक्षा क्या है, एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो हर किसी के जीवन में बहुत उपयोगी है। शिक्षा वह है जो हमें पृथ्वी पर अन्य जीवित प्राणियों से अलग करती है या मनुष्य को पृथ्वी का सबसे चतुर प्राणी बनाती है। यानी कि शिक्षा क्या है, शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण उपकरण है जो हर किसी के जीवन में बहुत उपयोगी है। शिक्षा वह है जो हमें पृथ्वी पर अन्य जीवित प्राणियों से अलग करती है। क्या करती है, हमें जीवित प्राणियों से क्या करती है, अलग बनाती है। शिक्षा जो हमें काफ़ी ज़रूरी है, यह मनुष्य को पृथ्वी का सबसे चतुर प्राणी बनाती है, यह मनुष्य को सशक्त बनाती है और उन्हें जीवन की चुनौतियों का कुशलता से सामना करने के लिए तैयार करती है। यानी शिक्षा के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जीवन में जितने भी समस्याएं या फिर जो भी प्रॉब्लम आती है उसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या होते हैं, तत्पर रहते हैं। तो ये सब कैसे होता है, शिक्षा के माध्यम से ही होता है। आगे हम लोग जानते हैं हम लोग शिक्षा का अर्थ क्या है।
शिक्षा शब्द का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। शिक्षा शब्द का क्या अर्थ हुआ? सीखने सिखाने की क्रिया। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली स्वउद्देश्य पर सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षा जो है कि किसी समाज में सदैव चलने वाली स्वउद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार से उसे सभ्य सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। यानी कि शिक्षा के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को क्या किया जाता है? एक योग्य नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है, या फिर इंसान क्या होता है, एक अच्छे सुसंस्कृत या फिर सुयोग्य या फिर अच्छे नागरिक बनता है शिक्षा के माध्यम से। आगे देखते हैं हम लोग शिक्षा की विशेषता। शिक्षा की प्रमुख विशेषता है कि यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा की जो विशेषता है उसमें सबसे पहला पॉइंट्स क्या है कि शिक्षा का जो प्रमुख विशेषता क्या है कि यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से आरंभ होकर मृत्यु तक चलती रहती है। शिक्षा की जो शिक्षा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों तक ही सीमित नहीं है बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंध प्रक्रिया है और यह किसी भी स्थान पर प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा चेतन रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षा सिर्फ आपको विद्यालय में नहीं मिलता है, समाज में नहीं मिलता है और आपको परिवार में नहीं मिलता है। विद्यालय के साथ साथ आपको शिक्षा सभी जगह से प्राप्त हो सकता है। आप चाहे तो सभी जगह से शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं और अच्छे से अपने जीवन में इसे लागू कर सकते हैं। शिक्षा सभी जगह व्याप्त है, बस आपको सीखने की जरूरत है। शिक्षा चारों तरफ फैला हुआ है, बस आपको ज्ञान क्या लेने की जरूरत है। आगे हम लोग देखते हैं शिक्षा का मूल उद्देश्य। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? इसमें पहला पॉइंट है, शिक्षा का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को चरित्रवान बनाना है। क्या करना है? विद्यार्थियों को चरित्रवान बनाना है। शिक्षा से ही रोजगार मिलेगा, यानी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? रोजगार पाना। दूसरा तीसरा पॉइंट आपका है, शिक्षा ही मनुष्य को संपूर्ण व्यक्तित्व की धनी बनाता है। शिक्षा क्या करता है? मनुष्य को संपूर्ण व्यक्तित्व का धनी बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, ज्ञान हासिल कर लोग समाज को सही मार्ग दिखाते हैं। यानी कि शिक्षा के माध्यम से ही लोग क्या करते हैं, पहले तो ज्ञान लेते हैं और ज्ञान के माध्यम से अपने ज्ञान को क्या करते हैं, दूसरे को भी प्रदान करते हैं ताकि समाज एक अच्छे राह पे चल सके या फिर अच्छे मार्गदर्शन के कारण समाज में अच्छा कार्य देखने को मिले। तो ये सब कैसे होता है? ये सब आपको शिक्षा के द्वारा ही होता है। तो शिक्षा काफ़ी जरूरी है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करना काफ़ी जरूरी है। आगे हम लोग देखते हैं शिक्षा, यानी कि शिक्षा कैसी प्रक्रिया है। शिक्षा एक थ्री ध्रुवीय प्रक्रिया है। कैसा है? तीन ध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एक आपके शिक्षक होते हैं, दूसरा आपका विद्यार्थी होते हैं, तीसरा क्या होता है, आपके पाठ्यक्रम होते हैं। यानी शिक्षा कैसी है? थ्री डायमेंशनल प्रोसेस है जिसमें एक टीचर होते हैं, दूसरा स्टूडेंट होते हैं, तीसरा क्या होता है, आपका सिलेबस होता है। आगे हम देखते हैं शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व क्या है? तो आपका पहला पॉइंट इसमें है, आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। शिक्षा का महत्व में देखते हैं तो पहला पॉइंट क्या आता है आप लोगों का, आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति होती है, व्यवसायिक कुशलता की प्राप्ति होती है, अच्छे नागरिकों का निर्माण होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, राष्ट्रीय विकास भी होता है, चरित्र का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, जीवन के लिए तैयारी की जाती है और आपका लास्ट पॉइंट क्या है, सामाजिक सुधार में प्रगति भी देखने को मिलता है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके शिक्षा के फायदे हैं, महत्व हैं जो प्रत्येक नागरिक को देखने को मिलता है। प्रत्येक नागरिक में शिक्षा के माध्यम से ये सब देखने को मिलता है या फिर देश को भी देखने को प्राप्त होता है। आगे हम देखते हैं शिक्षा के प्रकार, यानी शिक्षा के बहुत सारे प्रकार हैं, तो आइए हम जान लेते हैं कि शिक्षा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। आपका पहला है सामान्य शिक्षा, दूसरा आपका है संकुचित शिक्षा, तीसरा आपका है विस्तृत शिक्षा, चौथा आपका है औपचारिक शिक्षा, पाँचवा आपका है अनौपचारिक शिक्षा, छठा आपका है अप्रत्यक्ष शिक्षा, सातवां आपका है प्रत्यक्ष शिक्षा, आठवां आपका है व्यक्तिगत शिक्षा, नौवां आपका है सामूहिक शिक्षा, दसवां आपका है विशिष्ट शिक्षा, ग्यारहवां आपका है व्यापक शिक्षा, बारहवां आपका है चेतन शिक्षा और तेरहवां क्या है आपका अचेतन शिक्षा। ये सब क्या है आपके शिक्षा के प्रकार है, यानी कि शिक्षा बहुत तरह से मिलता है। तो ये सब आपके शिक्षा के प्रकार में हो गए, बहुत 12-13 हो गए जो भी है, ये सब क्या है शिक्षा के आपके प्रकार है। आगे हम लोग बढ़ते हैं शिक्षा से समाज की अपेक्षाएँ क्या क्या होती है। आइए हम लोग जान लेते हैं कि शिक्षा से समाज की क्या क्या अपेक्षाएँ होती है। तो इसमें पहला पॉइंट आपका है व्यक्ति का नैतिक विकास एवं उत्तरदायित्व की भावना का विकास। क्या होता है? व्यक्ति का नैतिक विकास एवं उत्तरदायित्व की भावना का विकास। ऐसा कौन करता है? समाज की अपेक्षाएं होती है कि किसी भी व्यक्ति को अगर शिक्षा प्राप्त हो गई है तो समाज क्या करता है, उससे कुछ अपेक्षाएं करता है। तो पहला अपेक्षाएं क्या करता है, व्यक्ति का नैतिक विकास एवं उत्तरदायित्व की भावना का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है नई पीढ़ी को समाज की संस्कृति का ज्ञान कराना।
नई पीढ़ी को समाज की संस्कृति का ज्ञान कराना। आपका नेक्स्ट पॉइंट है बालकों को सामाजिक नियमों से परिचित कराकर उसका समाजीकरण करना। क्या है? बालकों को सामाजिक नियमों से परिचित कराकर उसका समाजीकरण करना। नेक्स्ट आपका है नागरिकों में कर्तव्य एवं अधिकारों की समझ विकसित हो। नागरिकों में क्या हो? कर्तव्य एवं अधिकारों की समझ विकसित हो। नेक्स्ट पॉइंट आपका है समाज के विभिन्न विश्वासों तथा धर्मों के विषयों में उदार दृष्टिकोण का निर्माण करना। समाज के विभिन्न विश्वासों तथा धर्मों के विषयों में उदार दृष्टिकोण का निर्माण करना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समाज के प्रति निष्ठा की भावना का विकास करना। समाज के प्रति कैसी भावना का विकास करना? निष्ठा की भावना का विकास करना। आगे देखते हैं हम लोग सामाजिक समस्याओं को दूर करने की भावना उत्पन्न करना। सामाजिक समस्याओं को दूर करने की भावना उत्पन्न करना है। तो ये सब कैसे होगा? ये सब शिक्षा के माध्यम से ही होगा। अब हम लोग जानते हैं विद्यालय के बारे में, यानी कि विद्यालय क्या होता है, विद्यालय का अर्थ क्या होता है, विद्यालय में क्या क्या सुविधाएँ होती है या फिर क्या क्या सुविधाएँ होनी चाहिए। तो हम लोग आगे जानते हैं पहले क्या है पॉइंट्स हम लोग आज का, विद्यालय यानी कि विद्यालय के बारे में जानना है हम लोग को। सबसे पहले जानते हैं विद्यालय का अर्थ क्या होता है। तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति स्कूला या स्कूल नामक यूनानी शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है अवकाश यानी कि लीजर। जो स्कूल शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? यूनानी शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है अवकाश यानी कि लीजर। आगे देखते हैं इसकी परिभाषा हम लोग। तो जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है यहाँ जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार के क्रियाएं तथा व्यवसाय की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो। यानी कि विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहाँ पे क्या होता है जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं तथा व्यवसाय का शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है ताकि बालक का विकास क्या हो, एक सही दिशा में हो, एक सही डायरेक्शन में हो। तो ये सब कैसे होता है? विद्यालय के द्वारा ही होता है। आगे हम देखते हैं विद्यालय को मुख्य रूप से इस प्रकार का स्थान नहीं समझा जाना चाहिए जहाँ किसी निश्चित ज्ञान को सीखा जाता है। यानी कि विद्यालय को मुख्य रूप से इस प्रकार नहीं समझा जाना चाहिए जहाँ किसी निश्चित ज्ञान को सीखा जाता है, वरन ऐसा स्थान जहाँ बालकों को क्रियाओं के उन निश्चित रूपों में प्रशिक्षित किया जाता है जो इस विशाल संसार में सबसे महान और सबसे अधिक महत्व वाली है। यानी कि विद्यालय को हम लोग क्या समझते हैं कि सिर्फ वहाँ पे ज्ञान मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए क्योंकि विद्यालय के द्वारा क्या होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। विद्यालय में बच्चे बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं ज्ञान के साथ साथ, समाज में कैसे रहना है, कैसे बात करना है बड़ों से, कैसे मतलब व्यवहार करना है छोटे से। तो ये सब कैसे होता है? ये सब विद्यालय के द्वारा ही होता है और विद्यालय के द्वारा ही बच्चे महान इंसान भी बनते हैं। तो विद्यालय को सिर्फ शिक्षा का स्थान नहीं समझकर हमें क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास कहाँ होता है? विद्यालय में ही होता है। विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले। यानी कि विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य समाज या सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में क्या हो, सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले। आगे हम देखते हैं विद्यालय की विशेषताएँ, यानी कि विद्यालय की क्या क्या विशेषताएँ होती है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट्स हम लोग का, विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है जिसमें बालकों के वांछित विकास के लिए विशिष्ट गुणों तथा क्रियाओं और व्यवसायों की व्यवस्था की जाती है। विद्यालय क्या है? विद्यालय एक वैसा वातावरण है जहाँ क्या होता है, बालकों का वांछित विकास किया जाता है। दूसरा पॉइंट हम लोग का है विद्यालय वह स्थान है जहाँ संसार की महान एवं महत्वपूर्ण क्रियाओं को स्थान दिया जाता है। तीसरा पॉइंट हम लोग का क्या है, विद्यालय को बालकों के भावी जीवन की तैयारी हेतु स्थापित किया जाता है। यानी विद्यालय को स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बालकों के भावी जीवन की तैयारी करवाना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है, विद्यालय को सामुदायिक जीवन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। विद्यालय को क्या होना चाहिए, सामुदायिक जीवन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। आगे हम देखते हैं विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व, यानी कि विद्यालय की आवश्यकता क्यों पड़ा या फिर उसके महत्व क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट है विद्यालय बहुमुखी प्रतिभा के लिए उत्तम स्थान है। विद्यालय क्या है, बहुमुखी प्रतिभा के लिए उत्तम स्थान है। घर एवं परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। घर एवं परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। फिर भी जो शिक्षा पाठशाला बालक घर पर प्राप्त करता है, यानी जो शिक्षा घर पर बच्चा प्राप्त करता है, वह बहुत ही संकुचित होती है, यानी कि छोटे स्तर पर होती है।
इस शिक्षा में बालक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, जो ज्ञान उसे विद्यालय से प्राप्त होती है। यानी कि जो बच्चे घर में ज्ञान प्राप्त करते हैं वो जो ज्ञान होता है, और विद्यालय में जो ज्ञान होता है उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। बच्चे घर में ज़्यादातर सामाजिक ज्ञान को अर्जित करते हैं, लेकिन विद्यालय जाने के बाद वो क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे बुक को पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को वहाँ पे उनको मिलता है, जो उनसे जीवन जीने में काफ़ी उनको सहायता साबित करता है या फिर जीवन को आगे बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। तो विद्यालय के ज्ञान बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। आगे हम लोग देखते हैं व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास। परिवार, घर, समाज एवं धर्म आदि शिक्षा के उत्तम साधन है, लेकिन न तो इनका कोई निश्चित उद्देश्य होता है और न ही पूर्व नियोजित कार्यक्रम होता है। यानी कि व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास परिवार, घर, समाज एवं धर्म आदि शिक्षा के उत्तम साधन है, लेकिन न तो इनका कोई निश्चित उद्देश्य होता है और न ही इसका पूर्व नियोजित कोई कार्यक्रम होता है। आगे हम देखते हैं शिक्षित नागरिकों का विकास। विद्यालय ही एकमात्र वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षित नागरिकों का निर्माण किया जा सकता है। विद्यालय ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा क्या होता है, शिक्षित नागरिकों का निर्माण किया जा सकता है। यदि एक देश के समस्त बालकों को एक निश्चित आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है तो अस्थायी रूप से साक्षर हो जाते हैं। यानी कि किसी भी देश में अगर बच्चे को क्या, अगर मुफ्त में शिक्षा दिया जाए तो क्या हो सकता है, वो बच्चा क्या हो सकता है, साक्षर हो सकता है और देश के लिए काफ़ी कारगर साबित भी हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं समाज की निरंतरता बनाए रखने में सहायक विद्यालय समाज का एक लघु रूप है। विद्यालय क्या है, समाज का एक लघु रूप है। इसमें सामाजिक विरासत को सुरक्षित रखा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, सामाजिक विरासत को सुरक्षित रखा जाता है, आगे आने वाली को हस्तांतरित किया जा सकता है या फिर किया जाता है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक विद्यालय में बालक की रुचि एवं आवश्यकता के अनुकूल शैक्षिक वातावरण बनाया जाता है। यानी कि आवश्यकता की पूर्ति करने में सहायक विद्यालय में बालक की रुचि के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार क्या किया जाता है, वहाँ पे शैक्षिक वातावरण बनाया जाता है जिससे वह तरह तरह का ज्ञान प्राप्त करके अपनी तथा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। और ये किस लिए किया जाता है, ताकि बच्चे ज्ञान को अर्जित करे और अपने समाज की जो भी प्रॉब्लम है उसको क्या कर सके, सोल्व कर सके। आगे हम देखते हैं विद्यालय की भूमिका, विद्यालय की क्या क्या भूमिका होती है। तो आपका पहला इसमें पॉइंट्स है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। विद्यालय का क्या होता है कि बच्चों या फिर व्यक्तित्व का क्या कर सके, सर्वांगीण विकास कर सके। सामाजिक मूल्यों का विकास, नागरिकता का ज्ञान, समाज में समायोजन का स्थापना करना, सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास करना, व्यवसायिक प्रशिक्षण देना, नैतिक शिक्षा तथा आध्यात्मिक शिक्षा का विकास करना, ये सब क्या होता है आपके विद्यालय की भूमिका होती है। आगे हम देखते हैं समुदाय के बारे में, जो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समुदाय यानी कि कम्युनिटी के बारे में हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले जानते हैं समुदाय को अंग्रेजी रूपांतर कम्युनिटी दो शब्दों से मिलकर बना है। समुदाय का जो अंग्रेजी रूपांतर क्या है, कम्युनिटी दो शब्दों से मिलकर बना है। आपका पहला शब्द क्या है, कॉम, दूसरा क्या आपका म्यूनस। कॉम का अर्थ क्या होता है, टुगेदर यानी कि एक साथ। क्या होता है, कॉम का अर्थ टुगेदर यानी कि एक साथ, और म्यूनस का क्या अर्थ होता है, टू सर्व अर्थात सेवा करना। इस प्रकार कम्युनिटी शब्द का अर्थ क्या हुआ, टू सर्व टुगेदर अर्थात मिलकर सेवा करना। यानी जो कम्युनिटी शब्द होता है, समुदाय शब्द का अर्थ क्या होता है, मिलकर सेवा करना। आगे हम देखते हैं समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो मिलकर एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की सेवा सहायता करते हुए अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं। समुदाय क्या होता है, एक व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो मिलकर क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का क्या करते हैं, मदद करते हैं और अपने अधिकारों का भी उपयोग करते हैं। तो ये सब कहाँ होता है, ये सब आपके समुदाय में देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं एक मनोवैज्ञानिक है गिन्सबर्ग के अनुसार, जिन्होंने समुदाय के बारे में बताए हैं कि समुदाय सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों का एक समूह समझा जाता है। समुदाय क्या होता है, सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों का एक समूह समझा जाता है जिसमें सब प्रकार के असीमित विविध और जटिल संबंध होते हैं। यानी समाज में कैसे कैसे संबंध होते हैं, असीमित भी होते हैं, विविध भी होते हैं और जटिल भी संबंध होते हैं, जो सामान्य जीवन के फलस्वरूप होते हैं या जो उनका निर्माण करते हैं। तो ये सब कहाँ होता है, ये सब के समुदाय में होता है। आगे देखते हैं समुदाय की विशेषताएं, समुदाय की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट्स है, समुदाय में कम से कम दो व्यक्ति अवश्य होना चाहिए। समुदाय में कितने व्यक्ति, कम से कम दो व्यक्ति अवश्य होना चाहिए, तभी तो समुदाय कहलाएगा। दूसरा पॉइंट क्या आपका है, समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है जो छोटा या बड़ा हो सकता है। समुदाय का एक निश्चित या भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए जो छोटा भी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है।
यह एक छोटी सी परिधि से प्रारंभ होकर विश्वव्यापक हो सकता है। समुदाय कैसे बढ़ता है, धीरे धीरे छोटा पहले होता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है, और क्या होता है, एक समय आता है ऐसा आता है कि क्या हो जाता है, विश्वव्यापक यानी कि बड़ा हो जाता है, तो क्या कहलाएगा आपका, समुदाय ही कहलाएगा। चौथा क्या पॉइंट है आपका, यह मनुष्य का अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार का समूह है। यह मनुष्य एक ऐसा कैसा समूह है, अस्थायी भी और अस्थायी भी है। और आपका पांचवा पॉइंट क्या है, परिवार, धार्मिक संघ, पड़ोस, राज्य एवं राष्ट्र समुदाय के विभिन्न रूप है। परिवार क्या हो गया आपका, धार्मिक हो गया, संघ हो गया, पड़ोस हो गया, राज्य हो गया, ये सब क्या है आपका, समुदाय का ही अंग है। आगे हम देखते हैं समुदाय के कार्य, समुदाय का क्या क्या कार्य है। पहला पॉइंट आपका क्या है, शैक्षिक संस्थानों का स्थापना करना। समुदाय का क्या काम है, शैक्षिक संसाधनों का या संसाधनों का स्थापना करना, शिक्षा उद्देश्यों का निर्माण करना, शिक्षा संस्थानों पर उचित नियंत्रण करना, यानी कि जो तीसरा पॉइंट क्या है आपका, शिक्षा संस्थानों पर उचित नियंत्रण करना। चौथा क्या आपका है, प्रौढ़ शिक्षा। पांचवा आपका क्या है, पाठ्यक्रम का निर्माता। छठा क्या आपका है, सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। ये सब क्या आपके समुदाय के कार्य हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं बालक पर समुदाय के शैक्षिक प्रभाव, यानी कि बालक पे समुदाय के जो शैक्षिक प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। तो पहला आपका क्या हो गया, सोशल इन्फ्लुएंस यानी कि सामाजिक प्रभाव। दूसरा आपका क्या हो गया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यानी कि राजनीतिक प्रभाव। तीसरा आपका हो गया इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस यानी कि आर्थिक प्रभाव। चौथा आपका क्या हुआ, कल्चरल इन्फ्लुएंस यानी कि सांस्कृतिक प्रभाव। और अब लास्ट क्या हो गया, सांप्रदायिक प्रभाव। तो ये सब क्या हो गया, ये सब बच्चों के समुदाय के क्या होते हैं, शैक्षिक प्रभाव होते हैं, यानी कि बच्चों में सभी तरह के क्या होते हैं, प्रभाव देखने को मिलता है समुदाय के द्वारा, जिसमें आपका हो गया सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, और आपका सांप्रदायिक प्रभाव हो गया। आगे हम देखते हैं भारतीय शिक्षा में समुदाय की क्या क्या भूमिका है। क्या पॉइंट्स हम लोग का है, रोल ऑफ कम्युनिटी इन इंडियन एजुकेशन। आपका पहला इसमें पॉइंट्स क्या है, शिक्षा का सार्वभौमिक मांग यानी कि यूनिवर्सल डिमांड फॉर एजुकेशन, यानी शिक्षा सभी के लिए हो, सभी वर्गों के लिए हो, ताकि शिक्षा से कोई वंचित न रह सके, तो ये समुदाय की मांग है। दूसरा आपका क्या है, प्रारंभिक एवं पूर्व प्रारंभिक शिक्षा का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि समुदाय की क्या मांग है या क्या भूमिका है कि मतलब समाज में क्या हो सके, प्रारंभिक शिक्षा और पूर्व प्रारंभिक शिक्षा का क्या हो सके, विकास हो सके। तीसरा क्या पॉइंट है आपका, माध्यमिक शिक्षा का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा का भी विकास हो, ये सभी समुदाय की क्या है, भूमिका है या फिर समुदाय की मांग है। चौथा पॉइंट आपका क्या है, उच्च शिक्षा का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये सब क्या है आपके भारतीय शिक्षा में समुदाय की भूमिका है। सभी जगह कहीं ना कहीं क्या होता है, समुदाय की भूमिका आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि समाज में जितने भी विद्यालय हैं तो वह किसी न किसी भूमिदानकर्ता के द्वारा ही जमीन दिया जाता है, ताकि विद्यालय की स्थापना हो सके और गाँव के बच्चे क्या कर सके, उसमें अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। तो ये सब समुदाय के द्वारा ही होता है, तो समुदाय काफ़ी अहम रोल अदा करता है विद्यालय की स्थापना के लिए। आगे हम देखते हैं विद्यालय एवं समुदाय में अंतर क्या क्या है, यानी कि विद्यालय एवं समुदाय में अंतर क्या क्या है। तो हम देखते हैं दोनों कॉलम को एक साथ देखेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं विद्यालय के बारे में, फिर समुदाय के बारे में जानेंगे। तो विद्यालय एक ऐसा संस्थान है जहाँ शिक्षकों के निर्देशन में छात्रों का शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिगम स्थान एवं अधिगम वातावरण प्रदान करते हैं। विद्यालय एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे क्या होता है, शिक्षकों के निर्देशन में छात्रों को क्या दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है यानी शिक्षा दिया जाता है, ताकि विद्यार्थी क्या कर सके, अपने ज्ञान को अर्जित कर सके और देश के लिए अच्छा कार्य कर सके, समाज के लिए अच्छा कार्य कर सके या फिर खुद के लिए भी अच्छा कार्य कर सके। तो ये सब कैसे होता है, विद्यालय के द्वारा ही होता है। समुदाय भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का समूह है। समुदाय क्या है, भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का एक समूह है। वहाँ सभी लोग मिलकर रहते हैं तथा एक दूसरे की सेवा सहायता करते हैं और अपने अधिकारों का उपयोग भी करते हैं। समुदाय क्या, एक भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ पे क्या होता है, सभी को एक जगह क्या करते हैं, निवास करते हैं और वहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं और दूसरों को सेवा या हेल्प भी करते हैं और अपने अधिकारों का भी प्रयोग करते हैं। तो ये सब कहाँ पे क्या होता है, समुदाय में होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विद्यालय का दूसरा पॉइंट क्या है, बच्चों को सामाजिक वातावरण प्रदान करना। बच्चों को कैसा वातावरण प्रदान करना, सामाजिक वातावरण प्रदान करना। छात्रों में सामाजिक विकास के लिए विद्यालय की आवश्यकता है। छात्रों में सामाजिक विकास के लिए विद्यालय की आवश्यकता है। दूसरा देखते हैं हम लोग पॉइंट, विद्यालयों की स्थापना करना तथा उनको बनाए रखना। विद्यालयों की स्थापना करना तथा उनको बनाए रखना, ये सब कहाँ पर होता है, आपको समुदाय में होता है। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट, विद्यालय में क्या हो सकता है, छात्रों का सर्वांगीण विकास करते हैं। और जो समुदाय में क्या होगा, बालकों के सामाजिकीकरण करने के लिए तथा बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन करने के लिए समुदाय की जरूरत पड़ती है।
चौथा पॉइंट क्या आपका, यह शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है। यह क्या है, शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है। समुदाय का चौथा पॉइंट क्या आपका, परिवार एवं विद्यालय के मध्य अंतर संबंध स्थापित करने में यह शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण है। यह क्या है, परिवार एवं विद्यालय के मध्य अंतर संबंध स्थापित करने में यह शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण है। आगे हम लोग देखते हैं समाज तथा समुदाय में अंतर क्या है, यानी कि समाज तथा समुदाय में अंतर क्या है। अभी हम लोगों ने देखा कि विद्यालय और समुदाय में क्या अंतर है, अभी हम लोग देखना है समाज और समुदाय में क्या अंतर है। तो सबसे पहले पॉइंट हम लोग का समाज में है कि समाज एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का समूह है। समाज क्या है, भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का समूह है। और समुदाय भी क्या है, समुदाय भी सेम ही चीज़ है कि समुदाय में भी क्या होता है, भौगोलिक क्षेत्र में लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं या फिर व्यक्तियों का समूह वहाँ पे स्थापित रहते हैं या फिर रहते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं समाज एक प्रकार का समुदाय, यानी समाज भी क्या एक प्रकार का समुदाय ही है। समुदाय का एक अंश है जिसके सदस्य सामाजिक रूप से अपनी जीवन शैली के प्रति सचेत होते हैं और वे सामान्य उद्देश्यों तथा मूल्यों के अनुकूल एकीकृत होते हैं। समाज भी क्या है, एक समुदाय का ही अंश है जिसके सदस्य क्या होते हैं, सामाजिक रूप से अपनी जीवन शैली के प्रति क्या होते हैं, सचेत रहते हैं तथा समान उद्देश्य तथा मूल्यों के अनुकूल एकीकृत होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है इधर समुदाय में, कि समुदाय में व्यक्ति वयस्क तथा बच्चे, व्यक्ति वयस्क तथा बच्चे सामाजिक एवं असामाजिक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं जो एक जीवन शैली के अनुसार जीवन यापन करते हैं, परंतु वे सभी अपने संगठन या अभिप्राय के प्रति सचेत नहीं होते हैं। वे क्या होते हैं, अपने संगठन या अभिप्राय के प्रति सचेत नहीं होते हैं। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, बच्चे समाज के सदस्य तब तक नहीं कहे जाते हैं जब तक वे समाज की जीवन शैली के प्रति सचेत नहीं हो जाते हैं। यानी कि वैसे बच्चे जो समाज के सदस्य तब तक नहीं कहे जाते हैं जब तक वे समाज की जीवन शैली के प्रति क्या नहीं हो जाए, सचेत नहीं हो जाए। इस प्रकार बच्चे समाज के संभावित यानी कि पोटेंशियल सदस्य रहते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे क्या होते हैं, समाज के संभावित सदस्य रहते हैं यानी कि पोटेंशियल रहते हैं, न कि पूर्ण रूप से सदस्य रहते हैं। अंततः बच्चों को असामाजिक समुदाय यानी कि नॉन सोशल कम्युनिटी का कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है वैसे बच्चों को, असामाजिक समुदाय यानी कि नॉन सोशल कम्युनिटी कहा जा सकता है, न कि समाज विरोधी समुदाय। आपका समुदाय में पॉइंट है बच्चे समुदाय के सदस्य होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, समुदाय के सदस्य होते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग शिक्षा में नवाचार, हम लोग का क्या पॉइंट है शिक्षा में नवाचार यानी कि इनोवेशन इन एजुकेशन। तो नवाचार दो शब्दों का योग है, नवाचार क्या है, दो शब्दों का योग है। आपका पहला क्या है नव और दूसरा क्या आपका आचार। तो नव का मतलब होता है नया या नवीन और आचार का मतलब होता है आचरण या परिवर्तन। यानी कि इनोवेशन शब्द इनोवेट शब्द से बना है, जो आपका इनोवेशन शब्द है नवाचार शब्द वो किन कौन से शब्दों से मिलकर बना है, इनोवेट शब्द से मिलकर बना है। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है नवीनता लाना या परिवर्तन लाना, यानी कि टू इंट्रोड्यूस नोवेलिटीज और या फिर आपका हो गया टू मेक चेंजेज। यानी कि इसका अर्थ क्या होता है इनोवेशन का, नवीनता लाना या फिर परिवर्तन लाना। आगे हम देखते हैं इनोवेशन का अर्थ क्या होता है। तो इनोवेशन का अर्थ क्या हुआ, वह परिवर्तन जो नवीनता लाए, यानी किसी भी चीज़ में क्या लाए, नवीनता लाए, वो क्या कहलाएगा आपका इनोवेशन कहलाएगा। आगे देखते हैं हम लोग नवाचार वह नवीन और विशेष परिवर्तन है जो समझ बूझकर किया गया है। जो नवाचार है वह क्या, एक नवीन और विशेष परिवर्तन है जो समझ बूझकर किया गया है। उद्देश्य प्राप्ति की दृष्टि से यह अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली समझा जाता है। उद्देश्य प्राप्ति की दृष्टि से यह अन्य विधियों की अपेक्षा क्या है, अधिक प्रभावशाली समझा जाता है। किनके अनुसार, ये माइलेक्स एमवी जो है क्या क्या है मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार क्या है, ये नवाचार का परिभाषा है। आगे हम लोग देखते हैं नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा पदार्थ है जो नवीन है। क्या है, नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है या फिर पदार्थ है जो क्या है, नवीन है यानी कि नया है और वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। वर्तमान समय क्या है, ये गुणात्मक दृष्टि से अलग है। आगे हम लोग देखते हैं शैक्षिक नवाचार की आवश्यकता है। आगे हम लोग का पॉइंट्स क्या है, शैक्षिक नवाचार की आवश्यकता। तो आपका इसमें पहला पॉइंट्स है सामाजिक परिवर्तन के लिए इसके द्वारा छात्र एवं शिक्षक के मध्य की दूरी कम की जा सकती है। यानी कि सामाजिक परिवर्तन के लिए इसके द्वारा छात्र एवं शिक्षक के मध्य की जो दूरी है वह क्या किया जाता है, कम की जा सकती है। छात्रों को उनकी शैक्षिक प्रगति एवं उपलब्धि के आधार पर फीडबैक देकर उनकी गलती सुधारने का अवसर मिलता है। क्या होता है इसमें कि छात्रों को उनकी शैक्षिक प्रगति एवं उपलब्धि के आधार पर फीडबैक देकर उसको गलती सुधारने का मौका मिलता है।
दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को सुलभ कराने के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा को सुलभ कराने में शैक्षिक नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि जो सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को सुलभ कराने के लिए यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए शैक्षिक नवाचार का महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा पॉइंट आपका क्या है, आर्थिक विकास के लिए भारत में आर्थिक विकास का गति को तीव्र करना अत्यंत आवश्यक है। इसका कारण क्या है, अज्ञानता, बेरोजगारी, निर्धनता आदि है। इन सब में सुधार लाने के लिए उनसे नवीन विचार, नए कार्यक्रम तथा नवीन आयामों की जरूरत है। यानी कि ये सब चीज़ों को दूर करने के लिए अज्ञानता को, बेरोजगारी को, गरीबी को क्या करना होगा, हमको इसमें नवाचार लाने की जरूरत है। आगे हम देखते हैं चौथा पॉइंट, मानवीय संसाधनों के विकास के लिए किसी भी राष्ट्र का उत्थान, विकास एवं प्रगति उसके मानवीय संसाधनों पर निर्भर करती है। यानी किसी भी राष्ट्र का विकास किस चीज़ पर निर्भर करती है, वहाँ के मानवीय संसाधनों पर निर्भर करती है और इनके लिए नवाचार का होना काफ़ी जरूरी है। आगे हम देखते हैं शैक्षिक नवाचार का महत्व क्या क्या है। तो आपका इसमें पहला पॉइंट है शैक्षिक नवाचार का महत्व में कि नवाचारों का प्रयोग करके सीखने सिखाने की प्रक्रिया में गतिशीलता लाई जा रही है। क्या किया जा रहा है, नवाचारों का प्रयोग करके जो सीखने सिखाने की जो हम लोग की प्रक्रिया है उसमें क्या लाई जा रही है, तेजी लाई जा रही है, यानी कि गतिशीलता लाई जा रही है। दूसरा पॉइंट आपका है शिक्षक डायरी में भी नवाचार का ही प्रयोग है। शिक्षक डायरी में भी नवाचार का ही प्रयोग है जिसमें संकेतक लिखकर छात्रों का अधिगम मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा पॉइंट आपका क्या है, प्रार्थना स्थल पर छात्रों द्वारा विचार, प्रेरक प्रसंग, मुख्य समाचार वाचन के लिए भी नवाचार आवश्यक है। यानी कि जो विद्यालय में प्रार्थना होता है या फिर चेतना सत्र होता है उसमें छात्रों को क्या किया जाता है, विचार के लिए यानी कि थॉट्स के लिए, प्रेरक प्रसंग के लिए या फिर मुख्य समाचार पढ़ने के लिए बुलाया जाता है, जिससे क्या होता है, बच्चों में नवाचार देखने को मिलता है। चौथा पॉइंट क्या है, विद्यालय में दीवार, समाचार, पुस्तकालय, बाल अखबार प्रकाशन आदि के नवाचार आवश्यक जरूरी है। पाँचवा पॉइंट आपका क्या है, पूर्व स्थापित विधियों, कार्यक्रमों एवं परंपराओं नवीनता लाने के लिए नवाचार आवश्यक है। यानी कि पूर्व स्थापित विधियाँ, कार्यक्रमों एवं परंपराओं नवीनता लाने के लिए क्या है, नवाचार में आवश्यक है। आगे हम देखते हैं नवाचार की प्रक्रिया, यानी कि नवाचार की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस ऑफ इनोवेशन क्या क्या होता है। तो आपका सबसे पहला इसमें पॉइंट्स क्या है, जानकारी, दूसरा क्या है, जिज्ञासा, तीसरा क्या है, परीक्षण, चौथा क्या है आपका, मूल्यांकन, और पाँचवा क्या आपका है, अभिसवयीकरण यानी कि एडॉप्शन। ये सब क्या आपकी नवाचार की प्रक्रिया है, ये सब प्रक्रिया के द्वारा ही नवाचार देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं नवाचार की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन, नवाचार की क्या क्या विशेषताएं हो सकता है। तो आपका पहला पॉइंट क्या है, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसे नया समझा जाता है। दूसरा आपका पॉइंट है, नवाचार में कोई ना कोई विशेषता अथवा अवश्य पाई जाती है। नवाचार में क्या होता है, कोई ना कोई विशेषता अवश्य पाई जाती है। तीसरा आपका क्या पॉइंट है, नवाचार प्रयास पूर्ण किए जाने वाला कार्य है। नवाचार क्या है, प्रयास पूर्ण किए जाने वाला कार्य है। चौथा क्या आपका पॉइंट है, नवाचार के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। पाँचवा पॉइंट आपका क्या है, नवाचार का प्रयोग कर वर्तमान परिस्थितियों में सुधार का प्रयास किया जाता है। यानी कि नवाचार का प्रयोग कर वर्तमान जो परिस्थितियाँ उसमें क्या किया जाता है, सुधार करने का प्रयास किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग छठा पॉइंट, शैक्षिक नवाचारों के माध्यम से शैक्षिक तकनीकी की विद्यालयों तक पहुंचाया जाता है। यानी कि शैक्षिक नवाचार के माध्यम से क्या होता है, विद्यालय में शैक्षिक तकनीकी का पहुंचाना तय होता है या फिर पहुंचाया जाता है। आगे है सातवां पॉइंट आपका, नवाचार को समझ बूझकर काम में लिया जाता है। नवाचार को क्या किया जाता है, समझ बूझकर काम में लिया जाता है, इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही ऐसा किया जाता है। आपका आठवां पॉइंट है, प्रचलित विधियों की अपेक्षा गुणों को ध्यान में रखकर नवाचार अधिक श्रेष्ठ अथवा उन्नत माना जाता है। आपका नौवां पॉइंट है, शैक्षिक नवाचार मुख्यतः शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को प्रभावी तथा रुचिपूर्ण बनाने में संबंधित है। यानी कि जो शैक्षिक नवाचार जो मुख्यतः क्या है, शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया उसको क्या करता है, प्रभावी बनाता है और रुचिपूर्ण भी बनाने में प्रयास करता है। आपका दसवां पॉइंट आपका क्या है, नवाचार वह विचार है जिनके मानने या स्वीकार करने वाला है। नवाचार वह विचार है जिनके मानने या स्वीकार करने वाला उसे नवीन विचार के रूप में देखता और अनुभव करता है। जो नवाचार कैसा विचार है, वैसा विचार है जो क्या करता है, जो मानता है उसको एक नवीन विचार के रूप में लेता है या फिर देखता है या फिर उसका अनुभव करता है।
इसवन पेपर की इकाई 5 के ऊपर जो हम लोग का इकाई का नाम है विद्यालय और शिक्षा नीतियाँ यानी कि स्कूल एंड एजुकेशन पॉलिसी। तो आज हम लोग S1 पेपर के आखिरी यूनिट को देखेंगे। इससे पहले इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4 का वीडियो बन चुका है। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर देख सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुका है। तो आज हम लोग इकाई 5 को देखेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहे, वीडियो को ध्यान से देखें। तो चल चलते अपने पहले पॉइंट्स के ऊपर। आज का हम लोग का पहला पॉइंट्स है विद्यालय। क्या है विद्यालय? तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति स्कोला या स्कोल नामक यूनानी शब्द से हुई है, यूनानी शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है, अवकाश होता है यानी कि लीजर होता है। जो स्कूल शब्द की उत्पत्ति हुई है स्कोला या स्कोल नामक यूनानी शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है, अवकाश यानी कि लीजर होता है। आगे हम देखते हैं जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय का क्या परिभाषा है। तो जॉन डीवी ने कहा है कि विद्यालय एक ऐसा वातावरण है जहाँ जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं एवं व्यवसायों की दिशा या शिक्षा उस उद्देश्य से दी जाती है। यानी कि विद्यालय एक ऐसा वातावरण है जहाँ जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं एवं व्यवसायों को शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो। यानी कि जॉन डीवी ने बोला है कि विद्यालय एक ऐसा वातावरण है जहाँ जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार के क्रियाओं एवं व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास क्या हो, वांछित दिशा में, यानी कि सही दिशा में हो। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विद्यालय वे संस्थाएं हैं। विद्यालय क्या है? विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य समाज द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्य के लिए बालकों को तैयारी में मदद कर सके। यानी कि विद्यालय क्या है? विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों को तैयारी में मदद मिल सके। आगे हम देखते हैं विद्यालय में क्या क्या होना चाहिए, यानी कि विद्यालय में क्या क्या उपलब्ध होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं छात्रावास भवन, यानी कि विद्यालय में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट आपका क्या है, छात्रावास भवन होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, वर्ग व्यवस्था होनी चाहिए, प्रयोगशाला होनी चाहिए, पुस्तकालय होनी चाहिए, बाग बगीचा होना चाहिए, पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, साइकिल स्टैंड या फिर शौचालय होना चाहिए, असेंबली हॉल भी होना चाहिए। तो विद्यालय में ये सब क्या होनी चाहिए, जरूरत की चीज़ है जो एक विद्यालय के हमेशा होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं एक अच्छे विद्यालय भवन की विशेषताएं क्या क्या होती है। एक अच्छे विद्यालय भवन की क्या क्या विशेषताएं होती है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड स्कूल बिल्डिंग। तो सबसे पहला पॉइंट आपका है विद्यालय के लिए पर्याप्त स्थान का होना। यानी कि विद्यालय के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक पर्याप्त स्थान होना चाहिए। स्थान का स्वास्थ्यवर्धक वातावरण में होना, यानी जो स्थान है वो कैसा वातावरण में होना चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक मतलब वातावरण में होना चाहिए ताकि वहाँ पे कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं हो। क्योंकि विद्यालय में बच्चे पढ़ने आएंगे तो अगर आसपास में ज़्यादा शोर गुल होगा तो वहाँ पे क्या होगी, पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। आपका तीसरा पॉइंट है वैज्ञानिक ढंग से बनावट। चौथा पॉइंट आपका क्या है, सामर्थ्य तथा उपयोगिता। पाँचवा पॉइंट आपका क्या है, कम लागत तथा लचीलापन। विद्यालय क्षेत्र की सुरक्षा, विद्यालय भवन को दुर्घटनाओं से बचाना। और आपका आठवां क्या है, विद्यालय भवन की सजावट। तो ये सब क्या है, एक अच्छे विद्यालय भवन की विशेषताएं है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विद्यालय भवन का निर्माण कैसे कैसे होना चाहिए ताकि वो विद्यालय ज़्यादा दिन तक चल सके या फिर अच्छा विद्यालय के रूप में वो समाज के सामने आए। तो सबसे पहला पॉइंट आपका है नींव, यानी किसी भी इमारत के निर्माण में नींव का विशेष महत्व होता है। अगर किसी भी इमारत, अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, स्कूल बन रही है, कॉलेजेस बन रहे हैं, तो सबसे पहले क्या, उसका नींव क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए ताकि वो विद्यालय ज़्यादा दिन तक टिक सके, भूकंपरोधी होना चाहिए। तो विद्यालय भवन का निर्माण कैसे होना चाहिए, उसका इमारत कैसा होना चाहिए, उसका नींव हमेशा अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए ताकि वो विद्यालय ज़्यादा दिन तक चल सके। आपका दूसरा पॉइंट क्या है, दीवारें। भवन की दीवारें ईंट एवं पत्थर की होनी चाहिए। एक भवन की दीवारों की चौड़ाई कम से कम 14 इंच होनी चाहिए, यानी कि एक भवन की जो चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, कम से कम 14 इंच होनी चाहिए। यदि बड़ा मंजिल का भवन बनाना हो तो नीचे की दीवार की चौड़ाई 18 इंच होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है, फर्श। तीसरा पॉइंट क्या हम लोग, क्या है फर्श, यानी कि विद्यालय भवन की फर्श मजबूत एवं चिकनी होनी चाहिए ताकि ज़्यादा दिन तक चले एवं सफाई अच्छे से हो सके। जो विद्यालय का भवन होता है उसकी फर्श कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, चिकनी होनी चाहिए ताकि क्या हो सके, वहाँ पर साफ सफाई आसानी से हो सके। आपका चौथा पॉइंट क्या है, विद्यालयों की मंजिलें। रायबर ने कहा है कि विद्यालय भवन एक ही मंजिल का हो क्योंकि इससे प्रधानाध्यापक को विद्यालय के सभी कार्यों का
निरीक्षण करने में सुविधा होती है, यानी कि जो विद्यालय का जो मंजिल होता है उसका कैसा एक ही मंजिल होना चाहिए, किनके अनुसार, रायबर्न के अनुसार, क्योंकि उन्होंने बताया है कि अगर विद्यालय का भवन एक मंजिल होगा तो क्या होगा, इससे प्रधानाध्यापक सभी कक्षाओं में जाकर सभी क्या क्या कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं आसानी से। आगे देखते हैं हम लोग कक्षा का आकार कैसा होना चाहिए। तो कक्षा का आकार छात्रों की संख्या पर निर्भर होता है। कक्षा का आकार कैसे होता है, छात्रों की संख्या पर निर्भर होता है, लेकिन फिर भी कक्षा का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि कम से कम 40 छात्र आराम से बैठ सके। यानी कक्षा का आकार कैसा होना चाहिए, कम से कम ऐसा होना चाहिए ताकि विद्यालय के जो भवन में हो कितना बच्चा, कम से कम एक कक्ष में 40 बच्चा आसानी से बैठ सके। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रवेश द्वार। भवन में इतने प्रवेश द्वार होने चाहिए कि जिससे विद्यालय भवन 4 मिनट में खाली हो सके। यानी कि विद्यालय में प्रवेश द्वार कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ताकि विद्यालय के भवन कैसे कितने मिनट में, आपके 4 मिनट में क्या हो सके, विद्यालय की भवन खाली हो सके। मुख्य प्रवेश द्वार कम से कम 2 होने चाहिए। कितने होने चाहिए मुख्य प्रवेश द्वार, कम से कम 2 होने चाहिए, और विद्यालय के में कम से कम 2 डोर होना चाहिए, दरवाज़ा होना चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से क्लास से बाहर आ सके या फिर जा सके। आगे हम देखते हैं प्रकाश व्यवस्था, यानी कि विद्यालय में रोशनी की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। विद्यालय की कक्षाओं में पर्याप्त मात्रा में रोशनदान एवं खिड़कियां होनी चाहिए जिससे कक्षा में पर्याप्त प्रकाश रहे। यानी कि विद्यालय का भवन हो उसका निर्माण कैसे होना चाहिए ताकि विद्यालय में क्या हो सके, क्लास में क्या हो सके, आपको रोशनी उपलब्ध हो सके ताकि बच्चे आसानी से देख सके और उसे मतलब हवा भी, फ्रेश हवा भी बच्चों को मिल सके। आगे पॉइंट देखते हैं हम लोग, साइकिल स्टैंड, पेयजल एवं कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। भूमि तथा खेल के मैदान की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं विद्यालय के प्रकार, यानी कि विद्यालय के प्रकार कैसा होना चाहिए, फिर क्या क्या होता है विद्यालय के प्रकार। तो विद्यालय शिक्षा को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है आपको, 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका क्या है, प्राथमिक विद्यालय, दूसरा आपका है उच्च प्राथमिक विद्यालय, तीसरा आपका है माध्यमिक विद्यालय, और चौथा आपका क्या है, उच्च माध्यमिक विद्यालय। यानी कि विद्यालय के प्रकार कितने हैं, 4 हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपका प्राथमिक विद्यालय। तो प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा दी जाती है। प्राथमिक विद्यालय किसे कहते हैं, जहाँ पे क्या होता है, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तो वह विद्यालय क्या कहलाता है आपका, प्राथमिक विद्यालय कहलाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक विद्यालय। क्या आपका नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक विद्यालय। जिन विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है उन्हें उच्च प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है। यानी कि आपसे कोई पूछे कि उच्च प्राथमिक विद्यालय क्या होता है, तो आपको आसानी से बताना है क्या, कि क्लास 6 से लेकर 8 तक की अगर शिक्षा प्रदान की जाती है तो वह विद्यालय कैसा होगा, उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा। आगे देखते हैं तीसरा आपका क्या है, माध्यमिक विद्यालय। माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9-10 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी क्लास 9 तो क्लास 10 की जहाँ पर शिक्षा मिलती है वह कैसी विद्यालय होती है आपका, माध्यमिक विद्यालय होती है। चौथा आपका है उच्च माध्यमिक विद्यालय। क्या है आपका, उच्च माध्यमिक विद्यालय। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11 और 12 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। कहाँ तक की शिक्षा, क्लास 11 से लेकर 12 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है, तो वैसे विद्यालय क्या कहलाता है आपका, उच्च माध्यमिक विद्यालय कहलाता है। तो विद्यालय के प्रकार कितने होते हैं, 4 होते हैं, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, और आपका लास्ट क्या है, उच्च माध्यमिक विद्यालय। अब आगे देखते हैं हम लोग NCF 2005। क्या है, NCF 2005, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 से तात्पर्य यह है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए पाठचर्या का निर्माण करना एवं निर्धारण करना। जो आपका राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है 2005, इसका क्या तात्पर्य है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है या फिर पाठचर्या का निर्माण करना एवं निर्धारण करना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है दूसरा, NCF 2005 का निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है, NCERT है। यानी कि जो NCF 2005 है उसका निर्माण करने वाली संस्था कौन सा है आपका, NCERT है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, NCF 2005 वर्तमान समय की शिक्षा का सर्वाधिक नवीनतम रूप है। NCF 2005 क्या है, वर्तमान समय की जो शिक्षा है उसका क्या है, सर्वाधिक नवीनतम रूप है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, NCF 2005 के निर्माण के लिए प्रोफेसर यशपाल, कौन, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक संचालन समिति और 21 राष्ट्रीय समूहों का गठन किया गया। जो आपका NCF 2005 के निर्माण के लिए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक संचालन समिति और 21 राष्ट्रीय समूह का गठन किया गया था। NCF 2005 के निर्माण का आधार क्या था, 1993 शिक्षा बिना बोझ के, यानी कि शिक्षा कैसा होना चाहिए, बिना बोझ के होना चाहिए, बच्चों को बोझ नहीं लेना चाहिए NCF 2005 के अनुसार।
आगे आपका है एनसीएफ की समीक्षा की सिफारिश कब हुआ था या कौन किया था, एमएचआरडी यानी कि मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। एनसीएफ समीक्षा की सिफारिश किसने किया था, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आगे आपका नेक्स्ट है संशोधित दस्तावेज एनसीएफ 2005 रविन्द्रनाथ टैगोर जी के निबंध सभ्यता एवं प्रगति से आरंभ होता है। जो आपका संशोधित दस्तावेज कौन सा, एनसीएफ 2005 का जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के निबंध सभ्यता एवं प्रगति से क्या होता है, आरंभ होता है या शुरू होता है। आगे देखते हैं हम लोग एनसीएफ 2005 के पांच मुख्य सिद्धांत। एनसीएफ 2005 के पांच मुख्य सिद्धांत क्या क्या है, आपका पहला है विद्यालय के ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ना। विद्यालय के ज्ञान को कहाँ से, बाहर के ज्ञान से या बाहर के जीवन से जोड़ना। आपका दूसरा पॉइंट क्या है, शिक्षा पूर्ण रूप से रटन प्रणाली से मुक्त हो। शिक्षा कैसा होना चाहिए, रटन प्रणाली से कैसा होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। आपका तीसरा पॉइंट क्या है, पाठ्यचर्या इस प्रकार संबंधित हो कि बालक का चौमुखी विकास हो बजाय पाठ्यपुस्तक केंद्रित हो। कैसा होना चाहिए बच्चे का विकास, पाठ्यपुस्तक केंद्रित न होकर चौमुखी विकास होना चाहिए। आपका चौथा पॉइंट क्या है, परीक्षा को अधिक से अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। यानी कि जो एनसीएफ 2005 का जो मुख्य सिद्धांत क्या था, चौथा आपका है कि परीक्षा को अधिक से अधिक कैसा बनाना, लचीला बनाना, आसान बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। आपका पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा सिद्धांत क्या है आपका, एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएँ समाहित हो। तो यह आपके एनसीएफ 2005 के पाँच मुख्य सिद्धांत। अब आगे बात करेंगे इसकी विशेषताएँ के बारे में कि एनसीएफ 2005 की क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका पॉइंट्स है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में प्रत्येक छात्र हेतु शिक्षा के लिए उनके कम से कम स्तर को सुनिश्चित किया जाना। इस पाठ्यचर्या के अंतर्गत संपूर्ण देश में 10+2+3 की शिक्षा व्यवस्था की गई। जो आपका एनसीएफ 2005 था उसके अनुसार कैसा शिक्षा व्यवस्था किया गया, 10+2+3 की शिक्षा की व्यवस्था की गई। आगे देखते हैं हम लोग इस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का या मुख्य विषय क्या था, बच्चों के शिक्षा कैसा होना चाहिए, बोझ के बिना बोझ के होना चाहिए। यानी कि बच्चों को जो शिक्षा है उसको बोझ नहीं लाना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सके। अगर बच्चों को शिक्षा बोझ लगेगी तो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था कि बच्चों को मतलब ऐसा लगे कि शिक्षा क्या है, बिना बोझ के हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पाठ्यक्रम स्तर का पुनः निरीक्षण किया जाएगा। यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार यह घोषणा किया गया कि प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पाठ्यक्रम स्तर का पुनः क्या किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा एवं उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग पॉइंट है, एनसीएफ 2005 में त्रिभाषा सूत्र यानी कि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा तथा अंग्रेजी को प्रमुखता में रखा गया। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना ये क्रियाएँ पाठ्यचर्या के सभी क्षेत्रों में बच्चों के प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना क्रियाएँ कैसा है, पाठ्यचर्या के सभी क्षेत्रों में बच्चों को प्रगति के एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आगे हम लोग बात करेंगे ये अभी जो बात की हम लोग किसके ऊपर बात किए, एनसीएफ 2005 के ऊपर बात किए। अब हम लोग बात करेंगे बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि BCF के ऊपर बात करेंगे। बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 BCF 2008। सबसे पहले इसमें पॉइंट्स आपका है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एवं बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 में बच्चों के घर की बोली या उनकी मातृभाषा को उनके सीखने का सबसे मजबूत आधार माना गया है। जो आपका एनसीएफ 2005 है और BCF 2008 में बच्चों के जो घर की भाषा है, घर की जो बोली है, उनकी मातृभाषा को उनके सीखने का सबसे मजबूत आधार माना गया है। बच्चों को शिक्षा उनकी मातृभाषा के माध्यम से दी जाए यह शिक्षण शास्त्र का सिद्धांत है, क्योंकि बहुभाषिकता बिहार की भूगोल की पहचान है। यानी कि बच्चों को जो शिक्षा है उनकी मातृभाषा के माध्यम से ही दी जाए यह शिक्षण शास्त्र का मान्य सिद्धांत है, क्योंकि बहुभाषिकता क्या है, बिहार के भूगोल की पहचान है। आगे हम लोग देखते हैं BCF 2008 का फुल फॉर्म क्या होता है, आपका बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2008 क्या होता है, बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2008 जिसे हिंदी में बिहार पाठ्यक्रम ढांचा 2008 जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, बिहार पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम बिहार पाठ्यक्रम ढांचा 2008 या बिहार पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2008 के नाम से जानते हैं। ये बिहार द्वारा खुद के राज्य के शिक्षा पाठ्यक्रम को अलग और अपने अनुसार चलाने के लिए किया गया शोध है। इसमें इन्होंने अपने शिक्षा में कुछ बदलाव करते एवं अपने राज्य के बच्चों, समुदाय एवं समाज या फिर गांव को ध्यान में रखते हुए अलग पाठ्यक्रम बनाया है, जिसे BCF 2008 के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, नोट में है पॉइंट्स आपका कि बिहार पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2008, बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 में 9 अध्याय, कितने अध्याय, 9 अध्याय है, जो कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से क्या है, अधिक है। जो बिहार पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2008 उसमें क्या है, कितने अध्याय है, 9 अध्याय है, जो क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है उससे अधिक है। आगे हम लोग देखते हैं BCF 2008 के सिद्धांत क्या क्या है, यानी कि जो आपका BCF है उसका सिद्धांत क्या क्या है। तो इसमें पहला आपका है BCF 2008 के निम्नलिखित सिद्धांत इस प्रकार है, जिसमें पहला क्या है आपको, स्कूल से बाहर प्रकृति समाज और जीवन से संबंधित संबंधित शिक्षा, स्कूलों से बाहर प्रकृति समाज और जीवन से संबंधित शिक्षा को प्रदान करना, एक रचनात्मक एवं महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षण अधिगम रणनीतियों को नया स्वरूप देना। क्या कहा गया दूसरा पॉइंट्स में कि एक रचनात्मक एवं महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षण अधिगम रणनीतियों को नया स्वरूप देना। आपका तीसरा पॉइंट क्या है, सीखने की प्रक्रिया में सहायता के लिए कक्षा एवं परीक्षा को सुदृढ़ करना, मतलब सही करना, जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या करना, सहायता करना और कक्षा एवं परीक्षा को सुदृढ़ करना या फिर अच्छा बनाना या फिर मतलब सही करना। आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, सर्वांगीण विकास और बच्चे को उसकी व्यक्तिगत क्षमता एवं एहसास कराने में मदद करना, सर्वांगीण विकास और बच्चे को उसकी व्यक्तिगत क्षमता का एहसास कराने में मदद करना। आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बच्चों को एक सक्षम और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में विकसित करने के लिए पोषण करना जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हो। आगे हम देखते हैं पाठ्यक्रम, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या है, पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। तो विद्यालय का प्रमुख कार्य बालकों की शिक्षा प्रदान करना होता है, विद्यालय का प्रमुख कार्य क्या होता है, बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, और इसको पूर्ण करने के लिए वहाँ पर जो कुछ भी किया जाता है उसे पाठ्यक्रम का नाम दिया जाता है। यानी कि विद्यालय का प्रमुख कार्य क्या होता है, बच्चों को शिक्षा देना, और इसे पूरा करने के लिए वहाँ जो कुछ भी गतिविधियाँ होती है, जो कुछ भी क्रियाकलाप होती है, तो हम लोग उसका क्या नाम देते हैं, पाठ्यक्रम का नाम देते हैं। किसी तरह की शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के लिए निर्धारित विषयों, उप विषयों एवं संबंधित सामग्री की व्यवस्थित एवं सुलभ प्रस्तुति ही पाठ्यक्रम कहलाता है। और विद्यालय में किसी भी तरह की क्या होते हैं, शिक्षा प्रदान करना है, तो बच्चों को विषयों के बारे में, उप विषयों के बारे में या फिर संबंधित सामग्री की व्यवस्थित जो करना होता है या फिर उसको प्रस्तुत करना होता है, वो सब कैसे होता है, पाठ्यक्रम के माध्यम से ही होता है। आगे हम देखते हैं, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य जो प्रक्रिया चलती है उसका माध्यम ही पाठ्यक्रम है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य जो भी प्रक्रिया चलती है उसका माध्यम क्या है, पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम द्वारा यह निर्धारित होता है कि बालकों को क्या और कितना पढ़ाना है, पाठ्यक्रम के द्वारा ही पता चलता है कि बालकों को क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। पाठ्यक्रम शिक्षक का भी कार्य को क्या करता है, निर्धारित करता है। पाठ्यक्रम क्या करता है, शिक्षक के कार्य को भी निर्धारित करता है, जिसके अनुसार वह यह निश्चय करता है कि उसे वर्ष भर में कितना अध्ययन करना है और उसी के अनुसार वह अपनी तैयारी करता है। तो पाठ्यक्रम काफ़ी ज़रूरी है। आगे हम देखते हैं, शिक्षा की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का महत्व क्या है या फिर उसकी आवश्यकता क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ सिलेबस इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका, शिक्षा की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, समय और शक्ति का सदुपयोग होता है, बच्चों को मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण संभव होता है, शिक्षा का स्तर समान रहता है, मूल्यांकन संभव सरल होता है और उद्देश्य की प्राप्ति संभव होती है। तो ये क्या है आपके, शिक्षा की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का महत्व या फिर आवश्यकता में ये सब पॉइंट्स आ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं पाठ्यक्रम के उद्देश्य यानी कि एम्स ऑफ एजुकेशन। तो इसमें आपका पहला पॉइंट क्या है, चरित्र, दूसरा पॉइंट क्या है, स्वास्थ्य, तीसरा क्या है आपका, राष्ट्रीय विरासत, चौथा क्या है आपका, स्पष्ट चिंतन एवं पर्यवेक्षण, पाँचवा क्या आपका है, ज्ञान एवं कुशलता, छठा क्या है आपका, सौंदर्य अनुभूति एवं अभिव्यक्ति, सातवां क्या है, नागरिकता, और आठवां क्या आपका,
सामाजिक एवं आर्थिक संबंध। तो ये 8 पॉइंट क्या आपके पाठ्यक्रम के उद्देश्य यानी कि एम्स ऑफ सिलेबस है। अब आगे देखते हैं हम लोग पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या क्या होता है यानी कि कैरिकुलम क्या होता है। तो पाठ्यचर्या एक व्यापक शब्द है जिसमें विद्यालय की आंतरिक और बाह्य गतिविधियों का सम्मिलित रूप होता है। पाठ्यचर्या क्या है, एक व्यापक शब्द है जिसमें क्या होता है विद्यालय के आंतरिक और बाह्य गतिविधियों का क्या होता है सम्मिलित रूप होता है। इसके अंतर्गत वे सभी अनुभव आ जाते हैं जिन्हें छात्र विद्यालय जीवन में प्राप्त करता है। इनमें क्या होता है, वे सभी अनुभव आ जाते हैं जो बच्चे छात्र जीवन में या फिर छात्र विद्यालय जीवन में क्या करता है प्राप्त करता है, तथा कक्षा के अंदर एवं बाहर आयोजित की जाने वाली पाठ्य सहगामी क्रियाएँ सम्मिलित है, जबकि यह एक संदर्शिका होती है जिसका पाठ्यक्रम निहित रहती है। यह क्या होती है, एक संदर्शिका होती है जिसका पाठ्यक्रम क्या होता है निहित रहती है। आगे देखते हैं हम लोग पाठ्यचर्या द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। क्या होती है, पाठ्यचर्या द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक ऐसा साधन है जो छात्र तथा अध्यापक को जोड़ता है। यह कैसा साधन है जो छात्र को और अध्यापक को क्या करता है जोड़ता है। अध्यापक पाठ्यचर्या के माध्यम से छात्रों के मानसिक शारीरिक विकास के लिए प्रयास करता है। अध्यापक क्या करता है, पाठ्यचर्या के माध्यम से छात्रों के मानसिक विकास शारीरिक विकास के लिए क्या करता है प्रयास करता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्यचर्या द्वारा छात्र को जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त होती है। क्या होती है, पाठ्यचर्या द्वारा छात्र को जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त होती है। इससे अध्यापकों को दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं, छात्रों के लिए लक्ष्य निर्धारित होने से उनमें क्या होती है एकाग्रता आती है, वे नियमित रहकर कार्य को करते हैं। तो ये सब कैसे होता है, पाठ्यचर्या के माध्यम से ही होता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्यचर्या एक प्रकार से अध्यापक के पश्चात छात्रों के लिए दूसरा पथ प्रदर्शक है। पाठ्यचर्या में किसी भी कक्षा के निहित विषयों के साथ साथ स्कूल कार्यक्रम आते हैं। यानी कि पाठ्यचर्या में क्या होता है, कक्षा के जो निहित विषय हैं उसके साथ साथ क्या होते हैं स्कूल के कार्यक्रम भी शामिल होते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, पाठ्यपुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक। क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट, टेक्स्ट बुक। तो पाठ्यपुस्तक का अर्थ क्या होता है, पाठ्य प्लस पुस्तक। जो आपका पाठ्यपुस्तक है टेक्स्ट बुक, उसका क्या अर्थ होता है, पाठ्य प्लस पुस्तक, अर्थात पाठ से संबंधित जो पुस्तकें होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, पाठ्यपुस्तक बोलते हैं। यह अध्यापक का मार्गदर्शन कार्य करने का कार्य करती है, या क्या करती है, अध्यापक का मार्गदर्शन करने का कार्य करती है, और उनके द्वारा छात्रों में स्वाध्याय प्रणाली का विकास होता है। यानी कि टेक्स्ट बुक के माध्यम से क्या होता है, बच्चों में खुद से पढ़ने की प्रणाली विकसित होती है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्यपुस्तक द्वारा किसी क्षेत्र विशेष की गतिविधियों को एकजुट कर पाना क्या होता है, संभव हो पाता है। यानी कि पाठ्यपुस्तक के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, सभी जगह की गतिविधियों को क्या करते हैं एकजुट करके क्या करते हैं, उसे अपने अंदर समाहित करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, यह एक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली समस्त अभिलेखों का दर्पण है। क्या है, यह एक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली समस्त अभिलेखों का दर्पण होता है। कौन सा, टेक्स्ट बुक, जिसमें विद्यार्थियों को क्या और कितना पढ़ना है प्रतिबिंबित होता है। टेक्स्ट बुक में क्या होता है, विद्यार्थियों को क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है उसमें क्या होता है प्रतिबिंबित होता है, यानी कि छपा हुआ होता है। आगे हम लोग देखते हैं पाठ्यपुस्तक की विशेषता क्या क्या है। तो पाठ्यपुस्तक की विशेषता में सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है, पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु को तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या आपका है, पाठ्यपुस्तक शिक्षकों एवं छात्रों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। पाठ्यपुस्तक द्वारा विषय वस्तु सरल एवं सुगम हो जाती है। चौथा पॉइंट आपका क्या है, पाठ्यपुस्तक कक्षा शिक्षण की अनेक कमियों को भी दूर करती है। यानी पाठ्यपुस्तक के माध्यम से क्या होता है, कक्षा शिक्षण की जो भी अनेक समस्या होती है उसे भी दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो ये सब क्या है आपके, पाठ्यपुस्तक की विशेषता है। और भी पॉइंट्स विशेषता में शामिल है। आपका पांचवा पॉइंट क्या है, पाठ्यपुस्तक के आधार पर कक्षा कार्य तथा मूल्यांकन संभव हो पाता है। यानी कि पाठ्यपुस्तक के माध्यम से क्या होता है, कक्षा का कार्य होता है तथा मूल्यांकन भी संभव हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, पाठ्यपुस्तकों के स्वाध्याय द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में छात्रों की प्रेरणा प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, पाठ्यपुस्तक ज्ञान अनुभवों भावनाओं विचारों तथा प्रवृत्तियों एवं मूल्यों का संचय का साधन है। पाठ्यपुस्तक क्या है, ज्ञान अनुभवों भावनाओं विचारों तथा प्रवृत्तियों एवं मूल्यों का संचय करने का साधन है। आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पाठ्यपुस्तक शिक्षण क्रियाओं एवं अभिप्रायों के लिए सुव्यवस्थित चिंतन एवं ज्ञान का लिखित रूप है।
पाठ्यपुस्तक क्या है? शिक्षण क्रियाओं एवं अभिप्रायों के लिए सुव्यवस्थित चिंतन एवं ज्ञान का लिखित रूप है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मूल्यांकन। हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मूल्यांकन यानी कि इवोल्यूशन। तो मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन। मूल्यांकन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन। यह अंग्रेजी के इवोल्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। यह क्या है? मूल्यांकन शब्द अंग्रेजी के इवोल्यूशन शब्द का क्या है? हिंदी रूपांतर है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी छात्र ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। यानी मूल्यांकन द्वारा क्या होता है, मतलब किसी भी छात्र का जो भी ज्ञान वो प्राप्त किया है उसकी जानकारी क्या करते हैं हम लोग, प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा? मूल्यांकन के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, यानी कि मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन। तो इसमें सबसे पहला आपका क्या बात लिखा गया है कि मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मूल्य का अंकन। हम जानते हैं कि मापन द्वारा केवल किसी वस्तु, प्राणी अथवा किसी क्रिया की विशेषता का मानक शब्द चिन्ह अथवा इकाई अंकों में प्रकट किया जाता है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि जो मापन शब्द होता है या फिर मापन के द्वारा क्या होता है, केवल किसी वस्तु, प्राणी अथवा किसी क्रिया की विशेषता को क्या करते हैं हम लोग, मानक शब्दों या चिन्हों द्वारा क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। मूल्यांकन में मापन के इन परिणामों की व्यवस्था की जाती है और यह व्याख्या कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर की जाती है। कैसे की जाती है? वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर की जाती है। आगे हम देखते हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने मूल्यांकन का परिभाषाएँ दिए हैं जो निम्न है। तो सबसे पहले बात करते हैं टार्सन एवं एडमंड्स के अनुसार क्या कहा गया है। मूल्यांकन का अर्थ किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना है, इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य है। क्या बोले हैं इन्होंने कि मूल्यांकन का अर्थ क्या है? किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना, इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य है। आगे हम देखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के बारे में निर्णय देना। इन्होंने बोला है कि इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है, शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के बारे में निर्णय देना। आगे हम देखते हैं कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा है। किनके अनुसार? कोठारी आयोग के अनुसार। तो मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? एक क्रमिक प्रक्रिया है। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। यह क्या है? यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षा या शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इन्होंने बताया है कोठारी आयोग के अनुसार कि क्या है कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है, यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली के एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। आगे हम देखते हैं मूल्यांकन की आवश्यकताएं और महत्व, जिसमें पहला पॉइंट आपका क्या है, अध्यापकों की कार्यकुशलता एवं सफलता का मापन करना। अध्यापकों की कार्यकुशलता एवं सफलता का मापन करना। नेक्स्ट पॉइंट आपका है बालकों के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की जांच करना। आपका तीसरा पॉइंट क्या है, बालकों की अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना। चौथा पॉइंट आपका क्या है, बालकों का विभिन्न श्रेणियों का पता लगाना। बालकों के विभिन्न श्रेणियों का पता लगाना। आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना। आपका नेक्स्ट पॉइंट है बालकों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जानकारी प्रदान करना। आगे सातवां पॉइंट आपका क्या है, नवीनतम एवं प्रभावी शिक्षा विधियों की खोज करना। आपका आठवां पॉइंट क्या है, बालकों को उत्तम ढंग से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। नौवां पॉइंट आपका क्या है, पाठ्यपुस्तकों की जांच करके उनमें अपेक्षित सुधार करना। पाठ्यपुस्तकों की जांच करके उनमें अपेक्षित सुधार करना। और आपका दसवां पॉइंट क्या है, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार एवं विकास करना। तो ये क्या आपके मूल्यांकन की विशेषताएँ हैं। तो ये थे आपके आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने बात किया कि जो आपके S1 पेपर है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, उसके यूनिट 5 को देखें। तो इससे पहले यूनिट 4 तक वीडियो बन चुका है और आप लोगों में से कोई अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को जाकर देख सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुका है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।